हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसका मिलेगा सोशल साइंस वाले पोर्शन का। इसमें हमारे 40 मार्क्स के तो कंटेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स के पैडागोजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 60 मार्क्स का आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये है 23 दिसंबर 2021 का। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भारतीय उपमहाद्वीप के पहले साम्राज्य पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं, आप इसके बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, यू वुड बी आस्किंग टू फाइंड आउट अबाउट। अगर आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। वैसे तो ये कुछ पैडागोजिकल लग रहा है थोड़ा सा, बट अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाएंगे। उपमहाद्वीप क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर में ही बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर क्यों होगा देख लेते हैं। देखो, जो मौर्य साम्राज्य था ना, ये प्राचीन भारत में हम बात करें तो सोन और गंगा नदी की हमने बात करी थी उस चैप्टर में, कि सोन जो है गंगा की सहायक नदी है और इनके आसपास कुछ नगर बसे थे। तो इसके आसपास जो पहला साम्राज्य जो डेवलप हुआ था वो था मौर्य साम्राज्य। तो अगर हम देखो अर्लीस्ट एम्पायर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें मौर्य एम्पायर का ही नाम आएगा। तो इसीलिए हमने वो ऑप्शन में क्या सेलेक्ट किया है, मौर्य एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर बात करें इस एम्पायर की तो ये लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला था, यानी कि BC की बात अगर हम करते हैं, BCE या फिर BC, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ आपको ईयर के मामले में, तो उसमें आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये चला था, लगभग हम कह सकते हैं कि 135 साल का पूरा ये टाइम पीरियड इनका रहा मौर्य एम्पायर का। तो हम कहेंगे कि जो स्टार्टिंग का जो एम्पायर था, फर्स्ट एम्पायर जो था वो मौर्य एम्पायर ही था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि, द अर्लीस्ट कॉइन्स आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स बिकॉज। तो जो सबसे मतलब पहले के जो कॉइन्स थे उनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता था ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धातु के सिक्कों पर डिज़ाइन छिद्रित किए गए थे, डिज़ाइंस वर पंच्ड ऑन टू द मेटल कॉइन्स। तो देखो, ये इनको आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन्स इसलिए कहा गया था क्योंकि जो मेटल होता है ना, जैसे कि चांदी या तांबा, इस पर क्या करके पंच कर करके ये सिक्के बनाए जाते थे, डिज़ाइन एक तरह से गोदा जाता था, ये वर्ड इसके लिए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पंच। एक बार देख लेते हैं आगे किस तरह के होते हैं। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम, अब देखो यहाँ पर पाएंगे ये चांदी के सिक्के आप देख रहे हैं, तो चांदी का सिक्का, और इस पर क्या होता था, डिज़ाइन इस पर क्या करा जाता था, पंच किया जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया, पंचमार्क कॉइन कहा गया। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखो, ये लगभग हम कहेंगे कि चांदी के सिक्के, चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को इस पर उकेरा जाता था, आहत करके बनाया जाता, पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इनको क्या कहा गया, आहत सिक्के कहा गया। और आहत सिक्के सामान्यतः अगर बात करें आकार की तो ये आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, मतलब कई तरह की शेप्स इसकी मिलती थी। आयताकार इस तरह का होता है, आमने सामने की जो इसकी भुजाएं होती है वो एक जैसी होती है, इक्वल होती है। वर्गाकार कुछ इस तरह का हो जाएगा, और गोल जो कि आप इसमें भी देख रहे हैं, गोल पूरी तरह तो गोल नहीं हो पाते थे पहले, तो इस तरह के जो शेप होती है उसको हम गोल कह सकते हैं। तो हम कहेंगे धातु पर ये एक तरह से बनाए जाते थे।
तो इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। आजकल भी आपने ठप्पे से कुछ देखा होगा, मार्क बनाए जाते, कुछ इमेजेस बनाई जाती है, तो वो जैसे ऊपर से हम इस पर सिक्के पर वो लगाएंगे कुछ इस तरह से, तो वही आकृति हमको मिल जाएगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाए? आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब देखो, ये जब जब ईसवी स्टार्ट हुई थी, ईसा का जन्म हुआ था, तो उसके बाद तक ये प्रचलन में रहे थे, यानी कि जो ईसा पूर्व है उससे ही ये प्रचलन में आ गए थे। तो इस इन बातों को इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दासों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीज़न फॉर अपॉइंटिंग स्लेव्स टू हाई पोजिशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? तो आपने सुना भी होगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान अधिकांश मतलब दास ही मिलते थे, जो कि मतलब उच्च पदों पर उनको बिठाया जाता था, हाई पोजिशन उनको दी जाती थी। तो उसका एक रीज़न था ऐसा, क्योंकि और किसी सल्तनत में या फिर और किसी एम्पायर में नहीं होता था। तो इसमें रीज़न क्या था? रीज़न था कि वे भरोसेमंद और अपने मालिक पर निर्भर थे। देवर ट्रस्ट वर्दी एंड डिपेंडेंट ऑन दियर मास्टर। तो एक तरह से कहेंगे हम, जो भरोसेमंद जो उनकी क्वालिटी थी, वो भरोसे करने लायक थे, इसलिए ही उनको उच्च पद दिए जाते थे, जिससे क्योंकि हाई पोजिशन जो होती हैं एक तरह सेंसिटिव होती हैं, तो इसीलिए उनको रखा जाता था, क्योंकि वो भरोसेमंद होते थे, भरोसा मतलब जीत लेते थे एक तरह से सुल्तानों का। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास की स्थापत्य विशेषताओं ने कैसे यह विचार दिया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था? हाउ डिड आर्किटेक्चुरल फीचर्स ऑफ द दीवाने खास गिव द आइडिया दैट द किंग वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड? कहने का मतलब ये है कि दीवाने खास जो है कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वो ये दर्शाता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, एक तरह से हम कहेंगे ईश्वर का एक तरह से दूत होता है। तो ऐसी क्या विशेषताएं उसमें होती थी, तो ये बताना है। तीन हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ए और सी हमारे सही इसमें होंगे। ए और सी क्यों सही हैं? देखो, जो विशेषताएँ थी कुछ इस तरह की थी, जो ऑडियंस हॉल होते थे, दर्शकों के जो हॉल होते थे, लोग जहाँ पर बैठते थे, तो वो एक तरह से मस्जिद के समान बनाए गए थे। तो एक तो ये वजह हो गई, मस्जिद के समान बनाए गए थे, तो मतलब क्या है, वो राजा को एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इस वजह से बनाए गए थे। और दूसरा क्या था, सिंहासन को इस तरह से रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुँह की दिशा में सामने दिखता था। अब देखो, राजा अगर यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर उसके सामने जनता है यहाँ पर, तो देखो अब राजा की तरफ अगर वो मुंह कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, मतलब वो राजा की इबादत कर रहे हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। इस तरह का जो स्ट्रक्चर था दीवाने खास का, वो यही रिप्रेजेंट करता था एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ए और बी कथन दिए हुए हैं, तो इसमें सही और गलत हमें सेलेक्ट करना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया, तो इसने सिपाहियों के बीच समस्याएं पैदा कर दी। और दूसरी स्टेटमेंट है, पेशेवर सैनिकों की फौज तैयार करने में जाति और समुदाय की भावनाओं की अनदेखी की गई। तो जो हमारी ए और बी स्टेटमेंट है, वो हमारी दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही दी गई है। देखो, ये बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत की, यानी कि 1800 के बाद की। अब देखो, जो क्रांति हुई थी वो थोड़ा आगे चल करके हुई थी, 1857 में हुई थी। अब देखो, धीरे धीरे ही तो ये क्रांति का रूप लिया था इसने, जब इन्होंने धीरे धीरे इन सिपाहियों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी करनी शुरू करी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बढ़ती चली गई। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत जो थी, तो इन्होंने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया, तो अब क्या हुआ, इससे सिपाहियों के बीच में समस्याएं पैदा हो गई। और इन्होंने देखो, जाति और समुदाय की जो भावनाएं पहले होती थी ना, आपको पता ही होगा
कि जो पहले का टाइम था ये ज़्यादा चीज़ें मानी जाती थी, कास्ट और कम्युनिटी ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। तो ये जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हो जाएंगी। और एक्सप्लेनेशन जो है, अब क्योंकि ये जब जाति और समुदाय को उन्होंने अनदेखा कर दिया, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि सिपाहियों के बीच समस्याएं पैदा होने लगी, क्योंकि जो एक तरह से विरोधी हो जाएंगे सिपाही अंग्रेज़ों के, जब क्योंकि उनकी उनकी जो संस्कृति है उसको वो अनदेखा अगर करेंगे, सैनिकों की संस्कृति को अगर अनदेखा करेंगे या उनके कल्चर को निगलेक्ट करेंगे, तो सिपाहियों में क्या होगी, विद्रोह की भावना एक तरह से आ जाएगी। तो वही हुआ इसके दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोमों पर दिए गए कथनों ए बी और सी पर विचार करें। एक तरह से ये अहोम के बारे में है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कम्युनिटी थी उस टाइम पर, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनके बारे में, वो बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए एंड बी आर ट्रू। तो इसमें देखो, अगर अहोम की बात करें हम, अहोम कुलों में विभाजित थे, कुलों में विभाजित थे, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रत्येक कबीले कई गांवों को नियंत्रित करते थे, एक तरह से कबीले होते थे इनके, और ये कई गांवों को नियंत्रित करते थे, और उनके अपने आदिवासी देवता थे। देखो ये जो हमारा कम्युनिटी के वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पहले से चलता आया है, तो ये भी एक तरह की कम्युनिटी थी। तो और हर कम्युनिटी की अपनी अपनी विशेषताएं होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की। तो ये कुछ विशेषताएं थी अहोम कम्युनिटी की। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ये अभिकथन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है, तो बताना है अभिकथन जो दिया है वो सही है और उसका तर्क भी सही है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ए इज़ ट्रू है और आर फॉल्स है, मतलब ए स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही है, लेकिन जो इसका तर्क दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। देखो अगर हम देखें इसको, 17वीं शताब्दी तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में नील के बागान शुरू हो गए थे। देखो पहले तो ये पूरी तरह से भारतीय नील पर डिपेंड होते थे। इंडिगो आपने सुना ही होगा, जो इंडिगो होता था उसको, उसकी काफ़ी डिमांड थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी। तो अब देखो, जब डिमांड थी तो फिर काफ़ी देशों में इसको उगाना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि डिमांड थी, तो इसके डिमांड के कई रीज़न थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि इससे गहरा नीला रंग मिलता था और जो हो कि काफ़ी अच्छा एट्रैक्टिव लगता था, तो इसीलिए भारतीय नील पर वो डिपेंड होते थे और डिमांड भी उसकी काफ़ी होती थी। तो लेकिन जो कथन दिया है वो तो सही है कि नील के बागान अमेरिका में शुरू हो गए थे, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, लेकिन जो तर्क दिया है कि भारतीय नील की उच्च मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर नील के आयात पर प्रतिबंध लगाने और विकल्पों की तलाश करने के लिए दबाव डाला, तो ये स्टेटमेंट जो, ये तर्क जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर बात करें नील के पौधे की, तो ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध में उगता है। उष्ण कटिबंध यानी कि जहाँ पर एक तरह से गर्मी भी पड़ती है और जहाँ पर कि बारिश भी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसकी, तो तेज़ी से औद्योगिकरण के कारण मांग में वृद्धि और किसी भी विकल्प की कमी के कारण यूरोपीय देशों में नील की बहुत मांग हुई। तो देखो डिमांड तो काफ़ी टाइम तक रही थी जो भारतीय नील है उसकी, तो भारतीय नील की मांग बढ़ी क्योंकि यूरोपीय कपड़ा निर्माता केवल भारतीय इंडिगो चाहते थे। और क्यों चाहते थे? क्योंकि इससे गहरा नीला रंग मिलता था, बहुत ही अच्छा गहरा नीला रंग मिलता था इससे, और इस मांग के कारण भारतीय नील की कीमत यूरोपीय बाजार में बढ़ी और ब्रिटिशों को भारतीय भूमि में अधिक नील उगाने के लिए मध्यस्थता की। एक तरह से इन्होंने भी फिर सोचा कि मतलब हम भी नील की खेती करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब कोई भी चीज़ अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम कब तक उसका आयात करेंगे, उसको एक तरह से हम खुद भी उगाना चाहेंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका कपास, सॉरी नील का जो है ये उत्पादन खुद भी इनके इन कुछ कंट्रीज़ में शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों का खुला विद्रोह था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन एन ओपन रिबेलेशन ऑफ ट्राइब्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, ये अलग अलग तरह से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजों ने पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया और आदिवासी लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश पर रोक लगा दी। अब देखो जिन जंगलों पर आदिवासियों का राज होता था, जैसा कि हमने पहले भी जाना है इसके बारे में कि आदिवासियों का एकमात्र आवास या फिर हम कहें रोज़गार का जो जरिया था वो जंगल ही थे, तो जंगलों पर अधिकार आदिवासियों का होता था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर धीरे धीरे क्या हुआ अपने मतलब पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। अब आदिवासी लोगों की तो वो पूरी आजीविका है, उसी से उनका गुजारा होता था, तो और आदिवासियों का उसमें प्रवेश भी एक तरह से वर्जित कर दिया उन्होंने कि प्रवेश नहीं कर सकते आप जंगलों में। तो देखो जनजातियाँ तो विद्रोह करेंगी ही, क्योंकि आप उनसे उनकी आजीविका छीन रहे हो, उनके जीने का जरिया छीन रहे हो। तो ये क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा गया है बहुत बार, तो जब आपको इस तरह का कुछ दिखे ना जनजातियों का विद्रोह की इस वजह से हुआ, तो ऑप्शन में अगर ये वाली चीज़ दिखे तो ये वाला ऑप्शन मतलब किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशंट टेक्स्ट टू सजेस्ट, क्या सजेस्ट करने के लिए इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो आपको पता ही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को काफ़ी बढ़ावा दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि विधवा मतलब एक बार किसी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो उसके बाद वो जी नहीं सकती या फिर दोबारा से विवाह नहीं कर सकती, कि ऐसा कहाँ लिखा है मुझे बताओ। तो एक तरह से हम कहेंगे कि उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया। मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों में साथ भी दिया था, हालांकि वो सगे तो किसी के नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से फिर क्या हुआ 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। मतलब कि जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया एक तरह से। अब देखो कोई कम्युनिटी या फिर कुछ लोग अगर किसी चीज़ के विरोध में है, और मान लो कोई इंसान उस चीज़ का क्या कर रहा है समर्थन कर रहा है, तो वो इंसान भी उन लोगों का दोषी हो जाएगा एक तरह से, वो उनका दुश्मन हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ विद्यासागर के साथ भी, इनका भी विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार होता है जैसे कि कोई किसी गांव में रह रहा है तो वो उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई कुछ मतलब नहीं रखेगा, ना उससे कोई बात कर सकता है, ना उसकी कोई हेल्प कर सकता है किसी भी मुसीबत में। एक तरह से हम कहेंगे उसका बहिष्कार इस तरह से कर दिया जाता है कि उससे कोई मतलब कोई नहीं रखना चाहता। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक मतलब बाद तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया, और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुलु थे, एक उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। देखो जब कोई एक किसी चीज़ का विरोध शुरू करता है तो जो उस चीज़ से रिलेटेड जो समर्थक होते हैं लोग, वो कुछ ना कुछ उसके लिए करते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही इन्होंने किया, एक संगठन बना लिया, और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। तो फिर उसका प्रचार प्रसार करने लगे कि भाई विधवा विवाह कोई बुरी बात नहीं है, अगर क्योंकि पहले देखो लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, 15 साल के या फिर 10 साल की हो जाती थी। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ साल बाद अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कैसे उसकी ज़िंदगी फिर बीतेगी। तो वो उस टाइम पर विधवा विवाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इन लोगों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो उत्तर भारत में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया था खुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश करके लाभ प्राप्त हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट भी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़
गेन बाय एंट्री इनटू द ब्रिटिश आर्मी एंड आल्सो हैड अ रेजिमेंट फॉर इट्सेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महार। तो देखो अलग अलग नाम से ये जातियाँ या फिर जनजातियाँ होती थी, तो मतलब एक तरह से हम कहेंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी, तो उनमें से ही कम्युनिटी हम कहेंगे महार थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सेना में प्रवेश किया तो इनको लाभ हुआ उस चीज़ का, और एक रेजिमेंट भी थी इनकी खुद की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई वी रामास्वामी पेरियार के विचारों के सबसे करीब है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज क्लोजेस्ट टू द आइडियाज ऑफ ई वी रामास्वामी पेरियार? तो इसमें हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अगर आपको खुद को जाति से मुक्त करना है तो आपको खुद को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। देखो जो जाति होती है वो एक तरह से धर्म से भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम जाति से मुक्त हो जाएं तो हमें धर्मों से भी तो मुक्त होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि अगर हम धर्मों से ही मुक्त हो जाएंगे तभी हम जाति से भी मुक्त हो पाएंगे। तो अगर आप जाति से मुक्त हो जाते हैं और धर्मों में आप फिर भी भेदभाव करते रहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये बेसिकली इन्होंने बात करी थी आत्मसम्मान की, आत्मसम्मान या स्वाभिमान के लिए इन्होंने आंदोलन शुरू करा था, और इन्होंने एक तरह से अछूतों के लिए, अछूतों को बोला था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन भी शुरू किया। तो बेसिकली ये जो ई वी स्वामी नायकर हैं ये पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, और इनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं। मतलब एक तरह से जो तमिल और द्रविड़ संस्कृति जो चला रहे हैं वो अछूत हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है, मतलब ब्राह्मण जो हैं उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। और उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया, ये जो धार्मिक नेता होते हैं धर्म को जो बढ़ावा देते हैं या तो फिर उनके मुखिया होते हैं, तो ये सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। तो मतलब कि ये जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, आपने सुना होगा कि इस धर्म को वो फॉलो करते हैं और धर्म की शिक्षाएं देते हैं, वो एक तरह से क्या करते हैं, वो असमानता जो होती है या समाज को जो बांटती है चीज़ें, उसको वो ईश्वर के मतलब भगवान के एक तरह से इक्वल मानते हैं, जो कि गलत है। और इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। मतलब ये धार्मिक गुरु तो आपको शिक्षा यही देंगे कि आपको अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना है, ये करना है वो करना है, एक तरह से वो असमानता फैला रहे हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि अछूत जो माने जाते हैं लोग, उनको अगर उनको सामाजिक मतलब सोशल इक्वलिटी चाहिए तो उन्हें खुद को धर्मों से भी मुक्त करना होगा, ये नहीं कि सिर्फ जाति से मुक्त करना है, धर्म से भी मुक्त करना होगा। तो ये थे विचार इनके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन राष्ट्रवाद के विकास के लिए इन कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट्स दी हुई है 3, और इसमें हमसे पूछा गया है किसके बारे में, जो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म है इंडिया में उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ए बी एंड सी आर ट्रू। तो सभी स्टेटमेंट्स जो हैं जन राष्ट्रवाद के बारे में, जन राष्ट्रवाद के विकास के लिए, वो सभी सही हैं। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारी खर्च के कारण भारत सरकार ने व्यक्तियों पर भारी कर लगाया, यानी टैक्स लगाया। देखो अब जब हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो आपको पता ही है उसमें देखो हर चीज़ की हानि होगी, जनधन दोनों की ही हानि होगी। अब जब देखो खर्च होगा तो सरकार को कहाँ से पैसा मिलेगा, तो सरकार को तो लोगों से ही पैसा मिलेगा ना। तो सरकार ने क्या किया, लोगों पर टैक्स लगा दिया, ज़्यादा टैक्स लगा दिया अपने उस खर्च को क्या करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो कीमतों में तेज वृद्धि ने आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब देखो जो अमीर लोग हैं उन्हें तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं टैक्स से, लेकिन जो आम लोग हैं जिनका जो रोजी रोटी जो चलती है वो डेली के डेली चलती है, या फिर उनकी एक लिमिटेड सैलरी होती है, तो उनको तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी जब उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष के बारे में नए विचार और समाजवाद के विचार भारतीय राष्ट्रवादी के बीच व्यापक रूप से प्रसारित हुए। तो एक तरह से जब ये क्रांति हुई थी 1917 की रूसी क्रांति, तो एक नए विचार जो है लोगों के बीच हम कह सकते हैं फैल गए। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध के लिए इन कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट्स दी हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड ही, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ए और बी सही है, और जो 3 स्टेटमेंट है हमारी गलत है, ये और ये सही है। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की और अन्य देशों से आयात में गिरावट आई। अब देखो क्योंकि युद्ध के दौरान जो आयात है, बाहर के देशों से जो माल आना है, वो उसमें कमी आई,
तो अब जो ये इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। अब उससे हुआ क्या कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो बाहर से आयात जब कम हुआ युद्ध की वजह से, मतलब बाहर से हम चीज़ें नहीं मंगा पा रहे हैं, तो क्या होगा, अब उस चीज़ की जो डिमांड होगी वो तो भारत के मतलब अपने देश में ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम अपने ही देश में पूरी करने की उसको कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि भारतीय उद्योगों का विस्तार होगा, जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके उनमें उनके जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ युद्ध के दौरान, ये बात बिल्कुल सही है, और इसका वजह भी यही है क्योंकि आयात कम हो गया था युद्ध के दौरान, तो इसी वजह से उद्योगों का विस्तार ज़्यादा हुआ। तो ये गलत हो जाएगा, देखो व्यापार समूहों को युद्ध से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो ये गलत है क्योंकि व्यापारिक समूहों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था, क्योंकि जब व्यापार बढ़ा तो क्यों भारत में ही, तो इनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ ना कि नुकसान हुआ, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जैसे कि युद्ध ने कई सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ा दी थी, युद्ध ने जूट बैग कपड़े रेल जैसे औद्योगिक सामानों की मांग में वृद्धि की। अब देखो जब डिमांड बढ़ी, अब अन्य देशों से भारत में आयात कम कर दिया, अब जब इम्पोर्ट नहीं होंगी चीज़ें, चीज़ें आएंगी नहीं उनकी ज़रूरत है, तो क्या होगा घर मतलब ऐसा करते हैं ना, जैसे कोई चीज़ मार्केट में नहीं मिल रही है तो हम उसको कोशिश करेंगे घर में बनाने की, तो वैसे ही बात है जब हमें दूसरे देशों से कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हम उसे अपने देश में ही बनाएंगे। तो युद्ध के दौरान भारतीय कारखानों में वृद्धि हुई, अब वही कारखानों की वृद्धि होगी ज़्यादा सामान बनाने के लिए, और भारतीय व्यापारिक समूह विकास के अधिक अवसरों की मांग करने लगे, तो इससे व्यापारिक संगठनों को भारी मुनाफा हुआ। देखो जो थर्ड स्टेटमेंट हमने देखी थी उसमें क्या दिया था, नुकसान हुआ, बल्कि रिजल्ट क्या था, मुनाफा हुआ। तो मुनाफा हुआ उनको युद्ध से, ना कि नुकसान हुआ। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स वर दोज स्टेट्स, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी में वे राज्य थे। बेसिकली पूछा गया है कि जो पूर्वकालिक रियासतें होती थी वो मतलब क्या चीज़ें थी, क्या थी वो, मतलब किस तरह के राज्य थे वो। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, जो ए बी और सी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी करेक्ट हो जाएंगी और ये हो जाएगा गलत, तो क्योंकि 4th ऑप्शन यही है। तो अब पहला पॉइंट अगर हम देखें, पहले स्टेटमेंट देखें, तो जिसका राजकुमार भारत में विलय के लिए राजी हो गए, ये कुछ ऐसी रियासतें थीं क्योंकि जो राजकुमार थे वो इन पर शासन कर रहे थे, तो ये जो पूर्वकालिक रियासतें हैं वो रियासतें कहलाई, जैसे कि जिसका राजकुमार भारत में विलय के लिए राजी हो गए, मतलब कि भारत में मिलने को तैयार हो गए, मर्ज करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा था किसका, दूसरा क्या है, जिसका राजकुमार पाकिस्तान में विलय के लिए राजी हो गया। अब देखो जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना वो ऐसा नहीं है सारे के सारे भारत में ही मिल गए, कुछ भारत में मिले कुछ पाकिस्तान में मिले। आपको पता ही है जब जो विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान बने थे, तो पाकिस्तान में कुछ राज्य मिल गए जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, और कुछ मिल गए भारत में, और जिन्हें राज्य का दर्जा मिलने तक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में रखा गया था। तो एक तरह से जब तक इनको राज्य का दर्जा नहीं मिला था, इनको एक तरह से प्रशासनिक इकाई बना करके रखा गया था। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये सही है, जो 4th है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं, तो कुछ यही चीज़ें दी हुई है यहाँ पर भी। तो एक तरह से रियासतें जो है प्रिंसली स्टेट्स जो है बेसिकली वो होते हैं जो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की एक नाम मात्र की संप्रभु इकाई थी, जो मतलब ब्रिटिशर्स जो है सीधे शासन न करके किसी भारतीय शासक द्वारा उस पर शासन करते थे, उस राज्य पर। तो एक तरह से जैसे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है ना कि हमारे बिहाफ पर कोई प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन करता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स का कोई प्रतिनिधि जो भारतीय होता है वो राज्य पे शासन करता है, उसको ही हम कहते हैं क्या, प्रिंसली स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे इसमें हमारे, तो वो हो चुके हैं। पर्वतों से रिलेटेड निम्नलिखित सूची पर विचार करें, देखो कुछ पर्वत दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा पर्वत अन्य से अलग है, यानी 3 पर्वत तो एक ही कैटेगरी के हैं और जो चौथा जो कोई पर्वत है वो कैटेगरी से अलग है, वो ही हमें पहचानना है इन सभी पर्वतों में से कौन सा अलग है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वॉजेस जो माउंटेन है वो इन सब से अलग है जो 3 ऑप्शंस में दिए हुए हैं। क्यों अलग है एक बार देख लेते हैं, देखो मैं इसको यहीं पर बता देती हूँ, ये जो है ना वॉजेस जो पर्वत है, ये बाकी के पर्वत तो हैं जो हमारे कौन से फोल्डेड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स हैं बाकी के पर्वत, अरावली अपलेशन और यूराल, लेकिन जो वॉजेस है, वॉजेस है ब्लॉक माउंटेन। अभी इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देखो पर्वत होते हैं 3 टाइप के, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि ये वाला पर्वत आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ये वलित पर्वत इनको कहते हैं हिंदी में, या फिर मोड़दार पर्वत, तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा हिमालय पर्वत। और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं कुछ इस तरह के, जो कि जैसे जमीन बीच में धंस जाती है
तो एक हिस्सा क्या होता है, उभरा हुआ हो जाता है, इसको ही हम माउंटेन कह देते हैं। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है माउंटेन के रूप में जाना जाता है, जो एक हिस्सा दब जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स, तो ये है ज्वालामुखी पर्वत जिसमें से ज्वालामुखी निकलता है। तो ये तीन टाइप के पर्वत होते हैं। इनको अगर हम देखें डिटेल में तो फोल्ड माउंटेन्स जो हैं, ये जैसे पृथ्वी की भूपर पट्टी जो मुड़ जाती है, ऊपर की जो पृथ्वी की परत है वो मुड़ जाती है, तो उसके कारण ये बनते हैं। जैसे कि ये प्लेट्स आती है ना, आपस में टकराती हैं, तो अब ये जैसे ऊपर उठेंगी कुछ इस तरह से, तो ये क्या है, पर्वत का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से उठती चली जाती हैं, तो एक पर्वत बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, फोल्ड माउंटेन, यानी वलित या मोड़दार पर्वत। ऐसे ही पर्वतों के उदाहरण है हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, अरावली, अपलेशन, यूराल पर्वत। तो ऑप्शंस में हमारे तीन ऑप्शन इसी में से दिए हुए हैं, जो कि वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वोस्जेस पर्वत, वो है ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं ये कुछ इस तरह के, ये इस तरह से उभर जाता है और नीचे की ये जमीन का हिस्सा ये दब जाता है, एक तरह से ब्लॉक्स बन गए हैं, तो इसीलिए इसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। तो हिंदी में भ्रशोत पर्वत इसको कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है वो टूट जाता है या फिर दब जाता है, तो उससे ये पर्वत बनता है। जो उभरा हुआ हिस्सा इसका होता है ऊपर उठा हुआ, इसको हम कहते हैं उत्खंड या होस्ट। और जो धंसा हुआ भाग होता है, ये जो धंसा हुआ भाग है ये वाला, ये धंसा हुआ नीचे, इसको हम कहते हैं भ्रंश या फिर ग्राबेन। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है या दबा हुआ क्या कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत। तो आपसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाता है, जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे पूछा जाता है ये किस टाइप का पर्वत है। तो किसी और तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही है, ये है ग्रीनविच से रिलेटेड। तो कथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है। कथन है वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और कारण दिया हुआ जैसे जैसे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उदय होता है। तो स्टेटमेंट बताएं कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो मॉक टेस्ट के फॉर्म में अगर इसे आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्कोर कितना आप करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताया करें। एक तरह से मॉक टेस्ट के फॉर्म में इसे करें तो आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और आपको पता चलेगा आपका जो स्कोर है वो कितना है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर 60 या 70% तक आपके नंबर आते हैं, यानी कि 10 में से अगर 6 या 7 नंबर आते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर है। लेकिन अगर 5 से कम नंबर आते हैं तो तैयारी और करने की आपको ज़रूरत है। तो इसमें सही आंसर अगर हम देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब क्यों है ये गलत, आर जो कारण दिया हुआ कारण क्यों गलत है। देखो वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। देखो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, मैंने कुछ क्लासेस ज्योग्राफी की कराई हुई हैं, तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सोशल साइंस का 2021 का जो कोर्स कराया हुआ है मैंने, उसमें मैंने कुछ मतलब क्लास 6 के कंप्लीट चैप्टर्स कराए हुए हैं, 7th के भी 1-2 कराए हुए हैं। तो वैसे मैं आगे भी और कराऊंगी, लेकिन आप उनको जब तक उनको पढ़ सकते हैं जो मैंने कराए हुए हैं, तो मैंने उसमें पढ़ाया था, आप उसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर ग्रीनविच लाइन है वो जो लंदन से होकर के गुजरती है, तो यहाँ से क्या है, देखो जो इधर इधर होगी पूरब दिशा। अब जो ग्रीनविच के पूर्व में लोग जो कंट्रीज आती हैं उनका जो समय है ग्रीनविच से आगे होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे भारत यहाँ पर है, कुछ लोकेशन भारत की, तो भारत का जो टाइम है ग्रीनविच से वो 5.5 घंटे आगे पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 12 बजे होंगे दोपहर के, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बजेंगे इंडिया में 5:30 शाम के, तो 5:30 शाम के बजेंगे, यानी 5.5 घंटे आगे है ये। तो ये बिल्कुल सही है कथन हमारा, लेकिन कारण क्या दिया हुआ है, जैसे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। देखो यहीं पर गड़बड़ कर दिया है, यही यही है उलझाने वाली बातें। तो डायरेक्शन को थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है, यहाँ पर होना चाहिए था पश्चिम से पूरब की ओर। तो पृथ्वी जो मूव करती है कैसे करती है, पश्चिम से पूरब की ओर कुछ इस तरह से मूव करती है, लेकिन ये डायरेक्शन उल्टी दी हुई है, तो इसीलिए ये कारण गलत है। अगर यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन का एरर ना होता तो ये स्टेटमेंट पूरा सही होता। तो यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोब से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो रीजन मैं बताती हूँ क्यों ये पहला गलत है। पहले में दिया है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री भी इसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करती है। ये गलत क्यों है, आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं देशांतर लाइन से। देशांतर के बदले यहां पर होना चाहिए था अक्षांश, जो हमारी लेटी हुई रेखाएं होती हैं। अब देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड हिंदी में कहते हैं अक्षांश। तो मैंने आपको बताया था आप लेटी हुई से याद रख सकते हैं, यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं
उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, और जो हमारी कुछ इस तरह से होती हैं वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहते हैं क्या, देशांतर रेखा। अब देखो देशांतर थोड़ी ना 0 डिग्री भूमध्य रेखा का प्रतिनिधित्व करती है, भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी के ऐसे बीचों बीच है बिल्कुल, तो भूमध्य रेखा कहाँ पर है, ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये है जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा का प्रतिनिधित्व करती है ना कि देशांतर रेखा का, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पर। और भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो ये रेखा है ऐसी पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है, हमने सिर्फ ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर इस पर ड्रॉ करी है पृथ्वी पर मेजरमेंट के लिए, कि जैसे किसी स्थान की अगर हमें दूरी पता करनी हो तो ये लाइनें जो हैं हमारी हेल्प करती हैं, तो इसीलिए ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है, बात बिल्कुल सही है, दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऊपर का भाग क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ये इक्वल पार्ट्स हैं जो कि पृथ्वी इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है भूमध्य रेखा अगर हम इस पर खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो यहाँ पर देखो बीचों बीच जो ये रेखा जा रही है ये है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है, और ये कहलाती है क्या, लेटिट्यूड लाइन्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। तो इस तरह से ही बाकी भी ऊपर की तरफ आपको मिलेंगी नॉर्थ पोल तक, और नीचे भी आपको मिलेंगी साउथ पोल तक। तो ऊपर का पार्ट कहलाता है नॉर्थ पोल, नीचे का पार्ट कहलाता है साउथ पोल। तो डिग्री में हम इनको विभाजित करते हैं, डिग्री में बांटते हैं, ये चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप पढ़ लें, क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। अगर आपने मैप पर इनको देखा होगा, इस लाइन को देखा होगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है जो कि कर्क रेखा के दायरे में आता है, और इसको हम अगर मैप पर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो ये रहा राजस्थान, और इसका आप देख रहे हो छोटा सा हिस्सा जो है कर्क रेखा के दायरे में आ रहा है, तो इसका जो है क्षेत्रफल सबसे कम है जो कर्क रेखा के अंदर आता है। तो बाकी इन सभी स्टेट्स को ये रेखा टच करती है, जैसे यहाँ पर क्या है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर है ये झारखंड, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा, और यहाँ पर मिजोरम। तो ये स्टेट्स के नाम याद रखेंगे, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के मौसम के लिए इन कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट्स दी हुई है 3 मानसून से रिलेटेड, जो इंडिया में मानसून आता है उससे रिलेटेड। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, इसमें आएगा क्या, बी और सी आर ट्रू, तो ए हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्यों है ये बताती हूँ पहले। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़ लें उसके बारे में। और दक्षिण पश्चिम मानसून, वैसे मैं इसका चैप्टर कराऊंगी आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में हवा मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है, तो ये गलत है। देखो मैं आपको ड्राफ्ट ड्रॉ करके बता देती हूँ, मान लो ये इंडिया का मैप हमने बना लिया ऐसे ही बस, तो यहाँ से कुछ इस तरह से हवाएं चलती हैं, इस तरह से जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। अब देखो इंडिया के इधर आपको पता ही है, जो यहाँ पर है अरब सागर, अरब सागर से हवाएं कहाँ चलती है, इंडिया की तरफ चलती है, जो कि भूमि की तरफ चलती है, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से मुख्य भूमि की ओर चलती हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी तो इधर है, तो यानी कि ये कह रहे हैं ऐसे हवाएं चलती है जब मानसून आता है, तो ये गलत है। ये लौटते मानसून की तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं, तो ये लौटते मानसून की कंडीशन है ये जो है यहाँ पर दी हुई है, तो ये गलत है इसलिए। और अब बात करेंगे हम सेकेंड स्टेटमेंट की, ये कर रहे हैं मानसून के लौटने की बात, मानसून के लौटने के मौसम में हवा मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है। देखो अब ये स्टेटमेंट सही है, मैंने क्या बताया था, भूमि से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती है जब मानसून वापस लौटता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर लगभग जो हवाएं हैं उनकी नमी खो जाती है, तो बारिश एकदम से हम कह सकते हैं बंद हो जाती है। तो अब यहाँ से देखो, जब इधर से हवाएं चलेंगी जमीन से समुद्र की ओर, तो जब समुद्र की तरफ बढ़ेंगी ना हवाएं, तो ये यहाँ से फिर नमी लेती हैं दोबारा से, यहाँ पे तो नमी खत्म हो गई थी, यहाँ बरस गई जितना बरसना था, अब जब समुद्र की ओर चलेंगी तो फिर वहां से और नमी मिलेगी। अब जब ये साउथ में पहुंचती हैं इधर, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से टकरा करके फिर ये यहाँ पर बारिश करती हैं लौटते वक्त। तो मानसून जब लौटता है तो साउथ में बारिश होती है, साउथ में। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये इसी से रिलेटेड है, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको बताया है, जब मानसून आता है तो ये नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है और यहाँ पर कुछ पश्चिमी इलाकों में बारिश होती है, लेकिन जब मानसून लौटता है तो दक्षिणी भागों में बारिश होती है, तो इसमें हमारा ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव अ चांस टू कंटेन फॉसिल्स। तो जीवाश्म आप जानते ही होंगे, जीवाश्म होते हैं
पौधों और जंतुओं के सड़े गले अंश जो कि हजारों साल पहले दब गए थे, तो वही कहलाते हैं जीवाश्म। तो किस चट्टान में ये पाए जाते हैं बेसिकली, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है या अवसादी चट्टाने होती हैं, इसमें पाए जाते हैं जीवाश्म। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, इसमें सेडिमेंट्री की बात करें तो ये लैटिन शब्द है, और सेडिमेंटम का सेडिमेंटम का अर्थ है स्थिर, यानी कि जो होता है सेटल डाउन। तो अगर हम बात करें आग्नेय चट्टानों की, देखो आग्नेय चट्टानें जो है ना, उन्हीं से धीरे धीरे क्या बनती है, अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। तो पहले अगर हम आग्नेय चट्टाने को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे इनको, क्योंकि देखो यहाँ पर होती हैं ये आग्नेय चट्टानें, अगर हो गई इसके बाद ये सेडिमेंट्स बनाएंगी यानी टुकड़ों में टूट जाएंगी। जब ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक्स जब होती हैं ये, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब देखो यहाँ पर हो गया मैग्मा, मैग्मा जब ये पहाड़ों से बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है, लावा जब ठंडा होता है तो ये बन जाती है क्या, आग्नेय चट्टानें, यानी ये वाली चट्टानें। ये क्या होती हैं, लुढ़कती भी है, ये टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। तो होती क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, देखो ये छोटे छोटे टुकड़े जो बन गए, इनको हम कहते हैं क्या, अवसाद यानी सेडिमेंट्स। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये हवा पानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, जमा होते होते जाते हैं एक से दूसरी जगह पर। अब देखो अगर एक ही जगह पर हम रेत का ढेर भी बना दें तो क्या होगा, एक तरह से चट्टान जैसा वो दिखने लगेगा। तो इसी तरह से होता है अवसादों के साथ भी, जब ये अवसाद जो हैं, ये सभी अवसाद जगह जगह जाएंगे और जमा हो जाएंगे एक जगह पर, तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरह से दब जाते हैं या फिर ये एकदम सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड और वाटर, यानी कि हवा या पानी से ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये कंप्रेस हो जाते हैं और हार्डन हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो ये एक तरह से चट्टान की एक परत बना देते हैं। तो जो चट्टान की परत बनती है उसको हम कहते हैं अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो ये चट्टानें बनती हैं, देखो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब इस दौरान यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगे होंगे, जीव जंतु भी पनपे होंगे। तो वो जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर ही दबे रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हजारों साल बाद इनको हम देखेंगे उठा करके, तो हमें इसमें कुछ अवशेष मिलेंगे, पौधे के, जानवरों के, सूक्ष्म जीवों के। तो इन चट्टानों में ये जीवाश्म मिलते हैं जो कभी उन पर रहते होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये दब जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, तो वो क्या हुआ, वो सभी चीज़ें, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, इसके अंदर दबते चले गए और जीवाश्म बन गए, फॉसिल्स बन गए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर हम देखें सेडिमेंट्री रॉक का, तो सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है क्या, बलुआ पत्थर। तो जैसे बालू के दाने जमा होते रहते ना, बालू के दाने हुए ये, मान लो ये जमा हो गए, एक पानी या हवा से जो है बहा ले गए दूसरी जगह पर, इकट्ठे हो गए एक जगह पर, तो इससे क्या बनता है, बलुआ पत्थर बनता है, जो कि एग्जाम्पल है किसका, अवसादी शैल या फिर सेडिमेंट्री रॉक का। इस तरह से बनती है। तो मैंने आपको ये जो रॉक साइकिल होता है वो बताया था पिछले किसी वीडियो में, तो वो आप अच्छे से देख लें। रॉक साइकिल जो है उसमें आपको ये सभी रॉक्स क्लियर हो जाएंगी। खनिजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, ये इसमें हमें सेलेक्ट करना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए एंड डी ओनली। तो देखो इसको अगर हम डिटेल में समझें तो जो ए स्टेटमेंट है हमारी, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाए गए हैं, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। सो कहने का मतलब है कि जो खनिज होते हैं वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेस के बनते हैं, मतलब नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, अपने आप वो बनते हैं। तो मानव उसमें कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि वो मिनरल बनाते हैं या फिर वो किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ते हैं तब वो तैयार होता है। तो मिनरल्स का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें कि मानव का कोई हाथ नहीं होता है, तो बिना किसी मानव इंटरफेस के वो तैयार होते हैं। तो ये जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बी गलत क्यों है, क्योंकि देखो इसमें दिया है वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित होते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो सभी स्थानों पर इक्वली मिलते हैं, इवनली मिलते हैं, जबकि ये बात गलत है। तो मिनरल्स एक तो हर जगह पर नहीं मिलते हैं, और जहाँ पर भी वो मिलते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें 1 किलो कोई चीज़ मिल गई है तो वो दूसरी जगह पर भी 1 ही किलो क्वांटिटी में मिलेगी, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, वो इक्वली
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यानी कि समान रूप से नहीं मिलते हैं। तो कहीं पर मिलते भी हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। कोई एरिया तो आपको ऐसा मिलेगा कि दूर दूर तक आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे, और किसी एरिया में आपको बिल्कुल वो रिच मिलेगा एरिया मिनरल्स से। और जो ये आपका लिखा हुआ है कि एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें दिया था क्या, समान रूप से वो सभी स्थानों पर वितरित होते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब सी जो है ये भी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिया है वे अटूट हैं, दे आर इनएक्सोटिबल, यानी कि वो इतने हैं कि आप कितना भी उनको खर्च करो वो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब बेहद हैं वो, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास मिनरल्स का, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ए और डी सही है। डी में क्या है कि कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। सब मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ मिनरल्स समुद्र की बहुत गहराई में मिलते हैं, मतलब समुद्र के नीचे भी आपको ज़मीन के नीचे वो मिलेंगे, तो जहाँ तक कि हमारी पहुँच नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ की बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ए और डी इसमें इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड डी आर करेक्ट, यानी कि जो सी है वो इसमें गलत है। देखो इसको आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में करें, पहले खुद आंसर करें फिर करेक्ट आंसर देखें, तो इससे आपका दोनों काम होते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, दूसरा मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो तीन स्टेटमेंट्स ये सही है, जैसे कि जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र से ठंडी हवा रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पहुँचती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने वायु दाब या एयर प्रेशर नहीं पढ़ा है तो हम उसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे और उसमें इस चीज़ को हम क्लियरली समझेंगे। गर्म हवा जब हो जाती है तो वो हो जाती है हल्की, तो जब हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा होती है वो होती है भारी। तो अब क्या होता है, जब गर्म हवा ऊपर उठ जाती है तो वो जगह खाली हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है तो आसपास की जो ठंडी हवा होती है वो उस जगह को भर जाती है, भर देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है गर्म हवा सघन और भारी होती है, तो ये गलत है, अभी मैंने बताया था जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, तो हल्की होती है इसी वजह से वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। ये तो ये जो विशेषताएं दी हुई है ये ठंडी हवा की दी हुई है, तो ठंडी हवा सघन और भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। पवन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पृथ्वी जिस तरह से मूव करती है उसी हिसाब से जो है जो एयर होता है उसका डायरेक्शन भी थोड़ा सा चेंज होता है। ज्योग्राफी में मैं इसको आपको डिटेल में समझा दूंगी, तो जितना यहाँ पर ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जेट धाराएं गर्म समुद्री हवा को ढक्कन की तरह फंसाती हैं और उसे भूमि की ओर धकेलती हैं, तो कौन सी भौगोलिक घटनाएं घटित होती है। विच ज्योग्राफिकल फिनोमिना अकर्स व्हेन जेट स्ट्रीम्स ट्रैप हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड एंड मूव इट टूवर्ड्स लैंड, तो ये घटना कौन सी होती है जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो ये होती है हीट डोम, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें करेक्ट होगा। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको बता देती हूँ। देखो जब कोई मतलब मैंने अभी क्या बताया था, जब गर्म हवा जो होती है एक ढक्कन की तरह एक तरह से फंस जाती है। देखो ये सिचुएशन आपको मिलेगी कहाँ पर, कनाडा और यूएसए के मतलब बीच में मिलेगी। तो यहाँ पर देखो दोनों की सीमा आप देख रहे हैं, ये कनाडा हो गया और ये हो गया यूएसए। तो यहाँ पर ये जो आप रेड एरिया देख रहे हैं ये हीट डोम की सिचुएशन है, और ये होता तब है जब ये जेट स्ट्रीम्स आती हैं, ये समुद्री हवाएं हैं, यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र से आ रही हैं ये हवाएं, और ये इस तरह से आती हैं, कुछ इस तरह की डायरेक्शन इसकी दी हुई है। और जब ये आती हैं तो जो ये गर्म हवा होती है ना, एक तरह से ढक्कन सा इनका बन जाता है कुछ इस तरह का, तो काफ़ी प्रेशर बनता है ज़मीन की तरफ। तो देखो हीट डोम तब बनाया जाता है जब उच्च दबाव का क्षेत्र उसी क्षेत्र में दिनों या हफ्तों तक रहता है।
अब ये जो दबाव होता है ना, नीचे दबाव बन जाता है, बहुत गहरा दबाव बन जाता है गर्म हवा का, और इसमें क्या रहता है, ये हफ्तों दिनों तक रह सकता है, काफ़ी दिनों तक रह सकता है ये, और ये बहुत गर्म हवा होती है यहाँ पर। अब लेकिन इस ये जो हवा है ना, इसका एक नुकसान होता है, ये मतलब एक तरह से लोगों की जान के लिए हानिकारक होता है, इसी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ का जो एटमोसफियर है वो काफ़ी घुटन वाला हो जाता है, तो बहुत गर्म हवा को ये नीचे फंसा देता है, जिसकी वजह से ये एक बर्तन पर ढक्कन की तरह लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रहती है, तो ये जानलेवा होता है ये सिचुएशन, क्योंकि एक तरह से घुटन का महसूस मतलब अनुभव होता है, तो जिसकी वजह से लोगों की जान भी चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धारा मिलती है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उस एरिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं। द एरिया वेयर एज अ वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट, तो वहाँ पर क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि कोहरे के मौसम का वहाँ पर अनुभव किया जा सकता है जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं, और जिससे कि जल यातायात प्रभावित होता है, और दुनिया में सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र ये प्रदान करता है। तो आपने सुना भी होगा जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो जो क्षेत्र होता है वो मछली, एक तरह से मछली के प्रोडक्शन का क्षेत्र बन जाता है, वहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर फिर वही है, जब फिश ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए भी लोग आएंगे, तो मछली पकड़ने का क्षेत्र एक तरह से प्रदान करता है, और सबसे अच्छा ये क्षेत्र इस तरह का माना जाता है। देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब ये लैब्राडोर की धारा, ठंडी धारा है ये इधर आती है, और ये गल्फ़ स्ट्रीम है, ये गर्म धारा है, ये इधर से जाती है इस तरह से। तो ये क्या होती है, जब ये मिलती हैं तो यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहाँ पर कि मछली का उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है। तो ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से क्या होता है, कोहरे का निर्माण होता है, घना कोहरा होता है। और ये देखो जहाँ पर ये मिलती हैं, न्यूफाउंडलैंड के तट पर ये मिलती हैं ये धाराएँ दोनों। तो जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वे मछली पकड़ने के मैदानों में समृद्ध होती हैं, मछली का उत्पादन अच्छे से वहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स से रिलेटेड, इसमें अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर चुनेंगे। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो खनिज जो हैं अनवकरणीय संसाधन हैं, मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, क्यों है, क्योंकि देखो इनको हम लाखों वर्षों के प्रोसेस से प्राप्त करते हैं और इनको बहुत कम टाइम में हम अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि अनवीकरणीय है, जिनको हम कम पीरियड में नहीं बना सकते या हम खुद से नहीं बना सकते इनको, तो ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है, जो आसानी से नहीं मिल सकते। कारण क्या है, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। तो आर देखो ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें दिया है जो हम जो भोग में लेते हैं, हम जो इस्तेमाल में लेते हैं मिनरल्स, उसकी दर कम है, खनिजों के निर्माण की दर ज़्यादा है, तो ये गलत है। देखो आपको भी पता है जो खनिज हैं वो लाखों करोड़ों के करोड़ों साल बाद बनते हैं, तो इसका मतलब है उसका प्रोसेस धीमा है, जबकि यहाँ क्या दिया है, खनिजों के निर्माण का जो प्रोसेस है वो तेज है, ऐसा नहीं है, तो एक तरह से उल्टा कर दिया इसको, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। और जो मानव इस्तेमाल कर रहा है आपको पता ही है, वो बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा है, तो मानव का जो इस्तेमाल का जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज है, जबकि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपनी कक्षा में प्रवास के बारे में पढ़ा रही थी, उसने निम्नलिखित उदाहरण का प्रयोग किया, तो एक उदाहरण का उसने प्रयोग किया टीचर ने, कि एग्जाम्पल क्या है, श्रीदेवी जो मछली पकड़ने वाले समुदाय से ताल्लुक़ रखती है चेन्नई चली गई जब सुनामी ने उनके गांव को तबाह कर दिया था। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये मछली पकड़ते थे लोग, और फिर जब सुनामी आई और उनका गांव तबाह हो गया तो वो चेन्नई चली गई, क्योंकि एक तरह से उनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि जब उनका वहाँ से जो रोज़ी रोटी जो चलती थी वो एक तरह से बंद हो गई, और दूसरा गांव भी पूरा तबाह हो गया उनका,
तो एक तरह से मजबूरी में उनको कहाँ क्या करना पड़ा, वहाँ से मूव करना पड़ा। तो इसमें हमें क्या पहचानना है, उस अवधारणा की पहचान करनी है जिस पर वह अपनी कक्षा में चर्चा कर रही थी। अगर कोई टीचर कक्षा में चर्चा कर रही है तो एक तरह से एग्जाम्पल का वो यूज़ करते हैं, तो वह एग्ज़ाम्पल किस चीज़ के लिए दे रही है ये वाला वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। पुश फैक्टर माइग्रेशन का क्या मतलब है, ये ऐसा माइग्रेशन है जो कि एक तरह से मजबूर करता है लोगों को मूव करने के लिए अपनी जगह से। वो जाना नहीं चाहते लेकिन क्या है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि कोई आपदा आ गई, कोई समस्या हो गई, उसकी वजह से इनको मूव करना पड़ रहा है। इसको हम देखो डिटेल में अगर देखें तो पुश फैक्टर कुछ ये होते हैं इस तरह के, जैसे कि मतलब ये एक तरह से हम ये फैक्टर कह सकते हैं जो कि इंसान मजबूरी में इसके कारण माइग्रेशन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बस जाता है जा करके। उसके लिए कुछ कारण होते हैं और वो कारण होते हैं एक तरह से मजबूरी वाले, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उसको मूव करना पड़ता है। तो एक तो कारण इसमें आता है गरीबी का, अगर वो गरीब है तो रोज़गार की तलाश में वो जा सकता है, गरीबी है तो क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं होगा। शहरों में तो बहुत से रोज़गार मिल जाते हैं और वहाँ पर काम मिल जाता है जिससे रोजी रोटी चल सकती है। काम के अवसरों की कमी रहती गाँव में, इसके लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं। बेरोजगारी के कारण, अविकसितता के कारण, जैसे कोई गांव विकसित नहीं है, वहाँ पर हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है, लोग गांव छोड़कर शहर जाते हैं। खराब आर्थिक स्थिति होती है, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ज़्यादातर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही मूवमेंट होता है। कुछ प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं उनकी वजह से जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, जो चीज़ें चाहिए ज़रूरत की वो नहीं है वहाँ पर, अवसरों की वहाँ पर कमी रहती गाँव में, देखो जॉब्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी, आपको शहर ही जाना पड़ेगा उसके लिए। वहाँ पर खेती योग्य भूमि की अगर कमी है, अगर देखो भूमि अगर है गाँव में, उनके खाने के लिए अनाज उनको मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, साग सब्जी मिल रही है, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर खेती योग्य भूमि नहीं है तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होगा और काम की तलाश में फिर वो वही शहर में जाएंगे। असमान भूमि वितरण, किसी के पास ज़मीन भी नहीं होती है तो उसके पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, इसलिए भी उसको मूवमेंट करना पड़ता है। कम कृषि उत्पादकता, इसका मतलब भी वही है कि अगर खेती उपजाऊ नहीं है, उनकी इतनी पैदावार नहीं होती है कि उनका गुजर बसर हो सके, तो उसकी वजह से भी उनको मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये कहलाते हैं पुश फैक्टर्स, जिनकी वजह से क्या होता है, मतलब जो मजबूरी में लोगों को मूवमेंट करने पर मजबूर करते हैं, वो जाना नहीं चाहते लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको मूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सही और गलत बताएंगे। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। ए जो है ये सही है और सी सही है। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का हम यूज़ नहीं करते, इसमें नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पशु की खाद, पेड़ पौधों की बढ़ोतरी के लिए हम पशु खाद का यूज़ करते हैं, ना कि किसी केमिकल खाद का। और प्राकृतिक कीटनाशकों का इसमें उपयोग होता है, तो ये प्राकृतिक में ही आता है, जो पशु खाद होती है, वनस्पतियों की खाद होती है, तो ये क्या होता है, प्राकृतिक कीटनाशक अलग होते हैं, ये खाद खाद की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये नेचुरल कीटनाशक होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, केमिकल युक्त नहीं होते हैं ये पेस्टिसाइड जो यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये इसकी पहचान है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। दूसरा दिया है उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, तो ये गलत है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए देखो इसमें एक तो खाद का हम यूज़ करते हैं नेचुरल खाद, पशुओं की खाद, और दूसरा जो कीटनाशक जो हम यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसमें कोई रूपांतरण वगैरह नहीं करते हैं। जैविक कृषि बेसिकली बिना केमिकल वाली खेती होती है, तो ये ध्यान रखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि डैश में सभी भारतीय समान हैं, तो एक तरह से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सभी भारतीयों को समान माना गया है, प्रियम्बल में लिखा गया है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्थिति और अवसर। तो स्टेटस जो है और जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को समान रूप से मिलेंगी, ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो
तो सभी भारतीयों के लिए स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के समान मतलब समानता समझी जाएगी एक तरह से। तो इसको अगर हम प्रियम्बल में ही देख लेते हैं, जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है प्रियम्बल में सीधे सीधे अक्षरों में, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस और यहाँ अपॉर्चुनिटी, क्या बात कर रहे थे हम, इक्वालिटी की। कहा गया था ना भारतीय समान है किस चीज़ में, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो प्रियम्बल अगर आप अच्छे से पढ़ लें ना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। तो मैंने ये नोटिस भी किया है जो पॉलिटी में इसमें सीटेट में पूछा जाता है, प्रियम्बल से कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कभी इन पर पूछ लिया जाता है, इन वर्ड्स पर, कि तीन जो वर्ड्स जोड़े गए वो कौन से थे, या फिर जो मूल संविधान में मूल संविधान की प्रस्तावना में जो तीन वर्ड्स थे वो कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये बेसिकली पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है कि पंचायत चुनाव हर कितने साल में होते हैं, यहाँ पर भरना है इतने वर्ष में होते हैं, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है ये बताना है, और पंचायत राज प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई जो है वो बताना है, यानी कि सबसे बेस जो है जिसका पंचायत राज व्यवस्था का, जिससे मतलब पंचायत बनती है, बेस क्या है वो बताना है। जो एक पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक बैठक है। तो बेसिकली इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स तीन दिए हुए हैं, ये तीनों भरने हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। थ्री जो है, थ्री में क्या दिया हुआ है, पहले में आएगा फाइव, दूसरे में आएगा पंच, और तीसरे में आ जाएगा ग्राम सभा। तो बताया गया है कि क्या पंचायत चुनाव कितने हर पाँच साल में होते हैं, तो यहाँ पर पाँच आ जाएगा। और पंचायत के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको पंच कहा जाता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। और पंचायत राज की प्रणाली, पंचायत राज प्रणाली की जो बुनियादी इकाई है जिससे पंचायत बनती है वो क्या कहलाती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन होते हैं, गांव का हर एक वो मेंबर जो कि वयस्क है और 18 या फिर 18 साल से ऊपर का है, वो सभी लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। तो एक कहेंगे हम बुनियादी इकाई है ये किसी भी पंचायती राज सिस्टम की। तो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स इससे भर जाएंगे, ऑप्शन नंबर थ्री इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान कक्षा में विविधता को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखो वैसे तो बीच में साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस दे दिए हैं एक दो, लेकिन क्योंकि हम सीक्वेंस से ही कर रहे हैं तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू स्ट्रेंथन देन डाइवर्सिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। तो विविधता को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो देखो कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जिससे कि सभी की भागीदारी हो सभी चीज़ों में। उसके लिए देखो पहुंच होनी चाहिए हर किसी की, हर किसी की पहुंच होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, हर संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए। और गरिमा को बनाए रखना है हमें, सभी की डिग्निटी को बनाए रखना है। आप जानते ही हैं जो हमारा देश है डाइवर्सिटी से भरा पूरा है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की ट्राइब्स मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स के धर्म मिलेंगे यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स की जो कास्ट है वो मिलेंगी और अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो सबकी हमें डिग्निटी को बनाए रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें किसी की डिग्निटी को हर्ट करना है। यानी कि जैसे कि हम आदिवासी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और कुछ अलग तरीके से रहते हैं, तो अगर हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होंगे, उनकी डिग्निटी हर्ट होगी। तो हमें उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जिससे हम उनका कल्चर दिखा सकें और चीज़ें भी बता सकें कि वो कितने रिच हैं ज्ञान में, और जो वनों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका उनको कितना ज्ञान है, ये सब उनके बारे में हम बता सकते हैं, ना कि नेगेटिव चीज़ें दिखा करके। और समानता होनी चाहिए क्योंकि जब देखो हमारे यहाँ पर इतने धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर है, तो सभी को इक्वल हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है किसी को हम छोटा समझेंगे या बड़ा समझेंगे। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये महत्वपूर्ण पहलू हैं किसी भी विविधता को, मतलब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर हम विविधता को मजबूत करना चाहते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का नया राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू स्टेट ऑफ इंडिया।
तो अगर हम बात करें न्यू स्टेट की, तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और तेलंगाना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में से एक नया राज्य बनाया गया था। तो ये पूरा आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये है तेलंगाना का, और ये पहले इतना पोर्शन जो था ये पूरा आंध्र प्रदेश था तेलंगाना को मिला करके। तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेट था तो इसलिए क्या हुआ, इसमें से एक स्टेट और बना दिया गया, और ये हमारा नया राज्य है, यानी कि इसके बाद अभी कोई राज्य नहीं बना है। ये तेलंगाना जो बना था ये बना था 2014 में। उसके बाद जो अभी आपके एक स्टेट आपने सुना ही होगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, वो दो हिस्सों में बट गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो वो यूटीज़ हैं, स्टेट्स नहीं हैं। तो जो हमारा जो हम कहें सबसे जो नया जो स्टेट है जो बना था लास्ट, वो है तेलंगाना, 2014 में ही ये बना था। सो नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर? तो अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर से लिया गया है, जो है ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर। इंडस्ट्रीज़ में आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, तो डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके अदर चैप्टर में से लिए गए हैं, मतलब बेसिकली जो आपकी नॉलेज है उसको एक तरह से ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से अगर आपसे अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कैसे टैकल करेंगे उनको। तो अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र की जानकारी है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हामिद बागान में रबर का रोपण करता है। देखो जो रबर का पौधा होता है उसका प्लांटेशन होता है, जिस तरह से धान की खेती होती है ना, पहले पौध तैयार करते हैं और उसके बाद वो जो प्लांट होते हैं छोटे छोटे उनको लगाया जाता है, उसको कहते हैं रोपण करना। तो वही काम ये कर रहा है हामिद बागान में। तो एक तरह से हम कहेंगे ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो आता है प्राइमरी सेक्टर में, जो कि हम डायरेक्ट नेचर से प्राप्त कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। इसके बारे में हमें देखो इसमें भी देख सकते हैं डिटेल में, जो प्राइमरी सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी में से भी पूछा जा सकता है। कृषि, लॉगिंग, मछली पकड़ने का जो काम होता है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। वानिकी यानी जो वन से रिलेटेड होता है, खनन जो यानी माइनिंग होती है, खुदाई जो होती है किसी भी मेटल की या फिर किसी और पदार्थ की, वो खनन जो होता है, या फिर कच्चे माल का जो निष्कर्षण होता है, एक्सट्रैक्शन होता है कच्चे माल का, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह होता है जो वो कच्चे रूप में जो पेट्रोलियम निकलता है। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन में जो कोई अगर कोई चीज़ शामिल है तो ये सभी क्या आते हैं, हमारे उद्योग में आते हैं, ये हमारे प्राथमिक सेक्टर के उद्योग में शामिल होते हैं। तो यानी कि जो आपका ये प्राइमरी सेक्टर वाला जो जो आपका टॉपिक है ना, ये आपको इंडस्ट्रीज़ वाले चैप्टर मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज़ नाम से एक चैप्टर है क्लास 8 ज्योग्राफी में, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। बाकी मैं भी यहाँ पर ज्योग्राफी कराऊंगी, अभी ज्योग्राफी मैंने क्लास 6 की कराई हुई है, पुराने चैप्टर्स आप मेरे देख सकते हैं। बाकी क्लास 7th और 8th की ज्योग्राफी करानी बाकी है। तो प्राथमिक क्षेत्र विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कहने का मतलब जो है कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा होता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। मतलब कि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हमारा जो देश है वो विकासशील है, तो यहाँ पर कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरह से बाकी भी विकासशील देशों में भी ये प्राइमरी सेक्टर अपना काफ़ी बड़ा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य सरोकार, सरोकार कहेंगे या फिर चिंता कहेंगे, मतलब एक चिंता का विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारा आजीविका यानी कि जो हमारा रोजगार है उससे रिलेटेड।
तो इसमें अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काम की मौसमी प्रकृति। मौसमी प्रकृति कहें या फिर हम कहें कि कार्य की उपलब्धता जो है वो जो है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो हमने ये देखो क्लास 6 पॉलिटी में पढ़ा था, क्लास 6 की पॉलिटी में जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। तो वहाँ पर सबसे मेन जो चिंता का विषय है वो ये रहता है, सीजनल वर्क है वहाँ पर। आपको पता है जो मेन जो मुख्य जो व्यवसाय है लोगों का गांव में वो खेती करना है, वैसे तो अदर वर्क वर्क भी है लेकिन खेती करना मुख्य व्यवसाय है। तो खेती का आपको आप जानते ही हैं, कोई भी फसल जो तैयार होती है उसको तैयार होने में लगभग 3-4 महीने लगते हैं, उसके बाद अगर कुछ गैप आ जाता है बीच में तो वो जो टाइम होता है वो एक तरह से बेरोजगारी वाला टाइम होता है। उस टाइम में उन लोगों को काम नहीं होता है जो बाकी महीनों में काम में लगे हुए थे, तो उसी को कहा गया है सीजनल वर्क। सीजनल नेचर ऑफ वर्क यानी कि एक मौसम होता है काम का, उसी में रोजगार मिलेगा, बाकी के महीने लोग खाली बैठे रहेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है ग्रामीण रोजगार या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पॉलिटी में, तो मोस्टली पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं इस क्लास में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है, ऑल एडल्ट आर अलाउड टू वोट। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे पहले भेदभाव होता था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर जो गरीब है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो इसमें क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बात करता है सभी को वोटिंग राइट की, यानी कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी स्टेटस का हो, वो गरीब हो अमीर हो या फिर किसी भी जेंडर का हो, सभी को वोटिंग का अधिकार है अगर वो 18 साल या फिर उससे ऊपर की एज का है। यानी कि जो वोटिंग की एज है वो हर कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे देश में 18 साल है, और 18 साल या फिर उससे ऊपर के लोग जो हैं एक तरह से अडल्ट में काउंट होते हैं, तो उन सभी को क्या है, वोटिंग का अधिकार है। बाकी देशों में हो सकता है वोटिंग की एज अलग अलग हो सकती है, तो उसी को हम वयस्क मानेंगे। तो बेसिकली सभी वयस्कों को मतदान करने की अगर अनुमति है तो उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा सेट करना मुहावरे का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सेटिंग द एजेंडा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मीडिया। तो मीडिया का जो ये क्वेश्चन है ये आपकी क्लास 6 की पॉलिटी में दिया हुआ है, क्लास 6 सॉरी क्लास 6 या 7th की पॉलिटी में है, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो मीडिया के संदर्भ में पूछा गया कि एजेंडा सेट करने का क्या मतलब है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में है कि लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। अब देखो आप भी ये बात मानते होंगे कि जो मीडिया है काफ़ी हद तक लोगों को प्रभावित करता है, तो मीडिया जैसी खबर दिखाएगा वैसे ही लोग उसे उसको समझेंगे खबर को, और वैसे ही अपने अंदर धारणा बना लेंगे। तो मान लो किसी हम प्रोडक्ट का ही ले लें, मान लो किसी शैम्पू का ऐड है और वो जो है वो ऐड में बताया गया है शैम्पू के बारे में कि ये बाल बहुत अच्छे कर देता है या फिर बालों को झड़ना रोक देता है, बाल घने और लंबे बना देता है, तो क्या करेंगे लोग जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मतलब जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उसको तुरंत खरीद लेंगे। तो यानी कि जो मीडिया है काफ़ी प्रभावित करता है लोगों को, उनकी धारणा बनाने में, उनकी सोच को विकसित करने में। इसके अलावा मीडिया आपने देखा होगा कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि ज़रूरत की हैं, जैसे कि पानी की कमी हो रही है कहीं पर, या फिर कहीं पर कोई ऐसा कोई चीज़ है जो कि बाज़ार में बिकनी नहीं चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ख़राब है, तो जिसमें किसी कंपनी का नाम आ रहा हो, तो मीडिया ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाएगा। तो मीडिया किस चीज़ पर फोकस करेगा, जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ होगी या फिर किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज़ होगी, क्योंकि क्या होता है लोग उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे जो ज़रूरत की चीज़ है, और अगर ध्यान देंगे भी तो लोग जागरूक हो जाएंगे। तो मीडिया के लिए कहा गया है कि मीडिया को एजेंडा सेट करना चाहिए जिससे कि
लोग उसी के हिसाब से क्या करें, अपनी राय बना सकें, अपने विचार मतलब अपने विचारों को विकसित कर सकें। ऐसा ना हो कि जो मीडिया है सिर्फ वो न्यूज़ दिखाए जो कि उनके व्यूज़ बढ़ा रही है, उनकी जो TRP है वो बढ़ा रही है, तो मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। तो मीडिया को एक तरह से एजेंडा सेट करना चाहिए कि क्या लोगों के काम की चीज़ है और क्या लोगों के काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी प्रणाली में केवल राजधानी शहर में बैठे और सभी के लिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति शामिल नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। जो उपरोक्त विवरण है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है। एक तरह से हमें ये थोड़े से एक्सप्लेन करके एक विशेषता दे दी है भारतीय संविधान की, और हमसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता है संविधान की। तो इसका अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फेडरलिज्म जो है, यानी संघवाद कहेंगे हिंदी में। तो संघवाद जो है, संघवाद में बेसिकली जो सरकार है उसके तीन स्तर होते हैं, तीन स्तर होते हैं। तो स्तर पर अनेक स्तर पर सरकार क्यों काम करती है? अनेक स्तर पर सरकार इसलिए काम करती है कि मान लो अगर एक ही गवर्नमेंट चला रही होती पूरे देश को, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट होती, दिल्ली में वो गवर्नमेंट होती, तो जो गांव-गांव में जो लोग रहते हैं, एक ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जो शहर तक नहीं जा सकते, तो उनको न्याय कैसे मिलता, या फिर उनके जो ज़रूरतें हैं कौन पूरी करता। तो एक तरह से ये सरकार के जो है तीन स्तर बना दिए गए हैं, एक तो लोकल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर, जिनको कि हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्तर इसलिए ही बनाए गए हैं जिससे कि जो गांव में बैठे लोग हैं उनको भी समान रूप से न्याय मिले या उनकी ज़रूरतें समान रूप से पूरी हो सकें, और जो शहर में बैठे लोग हैं उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सकें, जो बड़ी सिटी में हैं उनको भी इक्वल राइट मिले, और जो गांव में बैठे लोग हैं छोटे से एरिया में किसी में रहते हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिले। तो एक तरह से जो हमारी ये विशेषता है संविधान की वो है फेडरलिज्म संघवाद। संघवाद बेसिकली, छोटी सी चीज़ याद रखेंगे इसके बारे में कि जो सरकार विभिन्न स्तर पर काम करती है उसी को कहते हैं क्या, संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है। तो देश में अधिक से एक से अधिक स्तर की सरकार का होना ही फेडरलिज्म यानी संघवाद कहलाता है। और जैसे कि हमारे यहाँ पर है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो लोकल गवर्नमेंट में वही पंचायती राज व्यवस्था आ जाती है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी में, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। और संघवाद की क्यों ज़रूरत है? देखो संघवाद की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर आपको बताइए कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी तरह तरह के लोग हैं, और दूसरा पॉपुलेशन भी इतनी है, तो इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि सभी लोगों को समान रूप से न्याय नहीं मिल सकता, एक ही व्यक्ति जो है पूरे देश पर शासन नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग अलग स्तर पर होनी ज़रूरत मतलब सरकार का होना ज़रूरी है, और वो भी उस लेवल पर जो कि उन लोगों को भी समझ सके। अब आपने देखा होगा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो एक तरह से लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, तो गांव का ही कोई सरपंच हो जाता है जो कि उस पंचायत को चलाता है, जो गांव उस गांव में रहने वाला जो सरपंच होगा उस गांव के लोगों को समझेगा, उस गांव की प्रॉब्लम को समझेगा, तो इस तरह से क्या होगा लोगों को भी अपनी भागीदारी निभाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए अलग अलग लेवल पर ये सरकार काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चू माझी झारखंड का एक राजमिस्त्री काम की तलाश में दिल्ली आया है, ये आपके एक चैप्टर में दिया हुआ है। बच्चू माझी नाम से एक रिक्शा वाला है जो कि हमारा एक तरह से लाइवलीहुड से रिलेटेड चैप्टर में है, अर्बन लाइवलीहुड। तो अर्बन लाइवलीहुड क्लास सिक्स की पॉलिटी में आपको मिल जाएगा चैप्टर, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से किस अधिकार का उपयोग किया है? तो कहने का मतलब है कि जो संविधान ने हमारे अधिकार दिए हुए हैं तो उनमें से ही एक अधिकार है क्या, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना। काम की तलाश में कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट में जा सकता है और देश के किसी कोने में जा सकता है, तो बेसिकली यही पूछा गया है। तो अगर झारखंड में रहता है ये बच्चू मांझी और दिल्ली जाता है काम की तलाश में, तो उसका कौन सा ये अधिकार ये प्रयोग कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है
कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, किसी भी भाग में देश के आने जाने की, रहने की या फिर कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की उसको स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है ये तो। और इसके अलावा और कौन सी स्वतंत्रता है? भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत बोलेंगे किसी को। स्वतंत्रता के अधिकार का यानी कि अभिव्यक्ति के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ बोल देंगे तो गलत नहीं बोलेंगे, मतलब अपने विचार रखेंगे जो कि सही है। बाकी सभा या संगठन आप बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। और बाकी मैंने बता ही दिया कि देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो जो बच्चू मांझी झारखंड से दिल्ली आया है काम की तलाश में, उसमें ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका इसने उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो बाकी मौलिक अधिकार जो हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे, मैंने यहाँ पर भी दे दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बाकी आपको ये बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपराधिक अपराध में जो अदालत में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या कहलाता है? इन अ क्रिमिनल ऑफेंस हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द कोर्ट। कहने का मतलब है, जो मान लो किसी ने भी केस कर दिया तो राज्य का जो पक्ष है उसको कौन देखता है, राज्य की तरफ से कौन होता है जो कि एक तरह से बचाव करता है राज्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये आपको पॉलिटी क्लास 8 में एक चैप्टर मिल जाएगा जो कि जस्टिस से रिलेटेड है, हमारी आपराधिक प्रणाली से रिलेटेड है, उसमें ही आपको मिलेगा। तो कई सारे चैप्टर्स हैं उसमें इस तरह से लेकर के, न्याय प्रणाली से रिलेटेड और आपराधिक प्रणाली है एक, तो कई सारे चैप्टर्स हैं उसमें ही आपको ये मिल जाएगा किसी में। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली क्या है, कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करता है। देखो मान लो किसी ने क्राइम किया, किसी भी व्यक्ति ने क्राइम कर दिया, तो वो जो क्राइम है वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। मान लो कि एक व्यक्ति ने किसी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब जिसका जो मर्डर कर दिया उसके साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ, लेकिन वो जो मर्डर हुआ वो एक तरह से सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अब देखो किसी एक ने मर्डर किया, इससे गलत संदेश जाएगा समाज में, दूसरा कोई भी फिर ऐसा कुछ काम कर सकता है, तो एक तरह से वो सोसाइटी को ख़राब करने वाला काम है। तो ये जो अपराध है इसको सार्वजनिक गलत माना जाएगा, पब्लिकली गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको मारा है, किसी व्यक्ति को जो मारा है बस उसी का लॉस है वो, तो वो राज्य के लिए भी गलत माना जाएगा। तो फिर जो उसके पक्ष में जो लड़ेगा ना राज्य के हित में, यानी जो एक तरह से विक्टिम है, जो विक्टिम है उसकी तरफ से जो केस लड़ता है, तो वो एक तरह से राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करता है जो विक्टिम की तरफ से केस लड़ेगा, क्योंकि वो राज्य के लिए भी एक तरह से क्राइम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए, मतलब पीड़ित के खिलाफ ही नहीं है वो क्राइम, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ वो एक तरह से गलत चीज़ है, गलत प्रैक्टिस है। तो वो जो वकील उधर से लड़ता है विक्टिम की तरफ से, वो कह सकते हैं हम, वही होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो विक्टिम की तरफ से होता है। अब जब विक्टिम की तरफ से तो वकील हो गया, एक दूसरा पर्सन है जिसने मर्डर किया था। अब जिसने मर्डर किया था वो तो चुप नहीं बैठेगा, वो भले ही उसे पता होगी उसने मर्डर किया, लेकिन वो अपना बचाव तो करेगा ही करेगा। तो अब वो अपना बचाव करेगा तो वो अपने लिए एक वकील रखेगा जो कि होगा डिफेंस लॉयर। डिफेंस यानी बचाव के लिए वो वकील रखेगा, यानी रक्षा वकील इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये डिफेंस लॉयर जो होगा वो उसकी तरफ से होगा जो कि क्रिमिनल है। हालांकि जब तक क्राइम साबित नहीं होता है तो हम उसको क्रिमिनल नहीं मान सकते, तो वो जो उसकी तरफ से जो वकील लड़ता है वो होता है डिफेंस लॉयर, लेकिन जो विक्टिम की तरफ से लड़ेगा वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए क्योंकि एक तरह से जो क्राइम हुआ है वो राज्य के खिलाफ हुआ है, तो इसीलिए जो हमारे ये केस होते हैं इनका नाम भी कुछ इस तरह से रखा जाता है, जैसे कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार। यहाँ पर आप देख पाएंगे राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य, लक्ष्मण कुमार और अन्य यहाँ तक पूरा नाम है इसका, और दूसरा है राज्य बनाम शांति हम्ब्रम। तो इस तरह से इनका नाम रखा जाता है जो केसेस होते हैं। तो इसके बाद जो है ये वकील की भूमिका शुरू होती है। जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो
तो आप चाहें तो आगे इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है। बाकी आपको क्लास 8 में ये क्रिमिनल सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, क्लास 8 में आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटोआइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। तो गेटोआइजेशन एक तरह से किस चीज़ का रिजल्ट है ये हमें इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पर तीन तरह के वो हाशिए दिए हुए हैं, यानी कि मार्जिनलाइजेशन दिए हुए हैं तीन तरह के, कि जो सामाजिक मार्जिनलाइजेशन है, सोशल रूप से अगर हम किसी को अलग थलग कर देते हैं उसका परिणाम है गेटोआइजेशन, आर्थिक रूप से हाशिए का परिणाम है, या फिर सांस्कृतिक रूप से, ये हमें इसमें सेलेक्ट करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि ए बी और सी तीनों ही इसमें सही हैं। देखो गेटोआइजेशन जो वर्ड है इसको मैंने बताया था आपको पॉलिटी का चैप्टर था, ये था आपका मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड। तो मार्जिनलाइजेशन जो चैप्टर है उसमें आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। गेटोआइजेशन बता देती हूँ फिर भी मैं, गेटोआइजेशन एक तरह से होता है किसी एक कम्युनिटी को अलग थलग कर देना, बिल्कुल उसको अलग कर देना। अब क्या है, वो जो कम्युनिटी है फिर क्या होता है, एक तरह से अपना ग्रुप अलग बना लेती है, अलग ही रहने लगते हैं, अलग ही अपना उनका सब सारी चीज़ें हो जाती है, कल्चर वगैरह जो है उनका सब कुछ अलग ही हो जाता है। जैसे हम कहें, आपने कहीं कहीं देखा होगा जैसे कि कास्ट के आधार पर कुछ कॉलोनीज़ बना दी जाती हैं, जैसे कि कहा जाए कि हाँ भाई यहाँ पर हम मतलब त्यागी लोग ही रहेंगे, यहाँ पर पंडित लोग रहेंगे, ब्राह्मण लोग ही रहेंगे, ऐसे ही मतलब अलग 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 बना दी जाएँ, जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स रहेंगी या फिर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ही रहेंगी, ऐसी कोई कॉलोनी बना दी जाए। अगर ऐसी कोई कॉलोनी बना दी तो वो क्या होगा कि वो एक तरह से क्या होगा, वो अब बाकी सोसाइटी से क्या हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे। तो गेटोआइजेशन बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर कोई कम्युनिटी किसी भी तरीके से, मान लो सोशल रूप से अगर हाशिए पर है, यानी कि सोशल हाशिए से मतलब जो सामाजिक रूप से उसको अलग कर दिया गया है, जैसे कि कास्ट होती है आपकी ऊंची जाति और नीची जाति मानी जाती है ना, जैसे कि नीची जाति को क्या करते हैं हम, कम आंकते हैं, तो अगर वो अपनी कम्युनिटी अलग बना ले, वो अपनी कॉलोनी अलग बना ले, वो अलग रहेंगे, वो कहें हम तो यहीं रहेंगे क्योंकि हमें बाकी जो सोसाइटी है उसमें इक्वल नहीं माना जाता, तो वो क्या कहलाएगा, गेटोआइजेशन कहलाएगा। आर्थिक रूप से भी हो सकता है, जैसे कि कुछ गरीब बस्तियाँ बन जाएँ, कहीं झोपड़ी बन जाए, तो झोपड़ियाँ क्या होगी, वो एक तरह से वो पूरी बस्ती एक तरह से गरीबों की हो जाएगी, तो वो भी एक तरह से क्या कहेंगे हम, गेटोआइजेशन कहेंगे। सांस्कृतिक रूप से हो सकती है, जैसे किसी का कल्चर अलग है, अगर उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी अलग हैं, वो अपने आप को अलग थलग, अभी भी आपने देखा होगा वो अपने आप को अलग ही रखते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, गेटोआइजेशन होती है, जो अगर किसी ग्रुप को अगर हम बिल्कुल अलग सा कर दें और वो खुद भी जो है वो रहने लगे अलग, ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने कहा रहने के लिए, वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं किसी ने कहा ही हो, तो ये जो चीज़ होती है गेटोआइजेशन कहलाता है, जब कोई एक कम्युनिटी एक ग्रुप के लोग अलग रहने लगे बाकी समाज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रैच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन डैश वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने कुछ ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें कि जो महिला कर्मचारी हैं वो जो संगठन है उनके, तो मान लो कि अगर किसी कंपनी में 30 से ज़्यादा महिलाएं हैं, विमेन एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको क्या करना होगा, उन विमेन को क्रेच फैसिलिटीज़ देनी होगी। क्रेच फैसिलिटीज़ होती है क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए एक सेंटर्स होते हैं, जैसे कि गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उसी तरह से शहरों में क्रैच फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अगर किसी कंपनी में 30 से ज़्यादा विमेन काम करती हैं, विमेन एम्प्लॉयज़ हैं 30 से ज़्यादा, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन विमेन को क्रैच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जिससे उनको सुविधा हो काम करने में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में
सटीक समझ का संचार करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट्स एन एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ सोशल साइंसेज। बेसिकली ये नेचर ऑफ सोशल साइंस से पूछा गया है, जो कि आपका फर्स्ट ही टॉपिक है पैडागोजी में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यह समाज और महत्वपूर्ण नागरिकता के बारे में एक एकीकृत समझ विकसित करता है। इट डेवलप्स एन इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी एंड क्रिटिकल सिटीजनरी। तो है क्या ये बेसिकली? देखो, सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो ये इसका जो नेचर है, ये इसका संबंध है मानवीय संबंधों से, जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं उनसे संबंधित है ये। बेसिकली हम इसमें बात करते हैं कि सोसाइटी में आपका जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए एक दूसरे से, और सोसाइटी में आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। सोशल साइंस की जो प्रकृति है वो सामाजिक मुद्दों का अध्ययन है। सोशल जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, होता है सोशल साइंस, जो हमेशा अधिक जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये थोड़े से, और ये समाज और महत्वपूर्ण नागरिकता के बारे में एक एकीकृत समझ विकसित करता है, जो मतलब अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उनके बारे में एकीकृत, एक तरह से ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटीग्रेटिव जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं सोशल साइंस में एक तरह से हम जो वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड उनको हम सीखते हैं, और सामाजिक वैज्ञानिक जो होते हैं हमेशा किसी चीज़ की अच्छाई या मूल्य के लिए परेशान रहते हैं। मतलब एक तरह से आप भी अगर समाज में रहना चाहते हैं तो उसके लिए मूल्य चाहिए होंगे, वैल्यूज़ चाहिए होंगे। आप बिना वैल्यूज़ के सोसाइटी में नहीं रह सकते, आपको अपनी एक कोई रेस्पेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी को अगर कोई रेस्पेक्ट नहीं करता तो आप सुकून से रह सकते हैं। तो एक तरह से वैल्यूज़ चाहिए होते हैं सोसाइटी में रहने के लिए। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य एक संवेदनशील, चिंतनशील और जागरूक इंसान बनाना है। तो आप सेंसिटिव भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। चिंतनशील होने चाहिए आप, मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होनी चाहिए उस लेवल की, और जागरूक भी आपको रहना चाहिए अगर आप सोसाइटी में रहते हैं। सामाजिक विज्ञान प्रकृति में अंतः विषय है, मतलब ये एक ही विषय नहीं है बल्कि ये बाकी विषयों को भी लेकर के चलता है, मतलब बाकी विषयों की भी जानकारी इससे मिलती है, या फिर बाकी विषय अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें सोशल साइंस काम आता है। सामाजिक विज्ञान की अवधारणा या मुद्दा सामाजिक विज्ञान के एक अनुशासन तक सीमित नहीं है, मतलब कि एक ब्रांच नहीं है इसकी, अनेकों ब्रांचेस हैं, और मतलब एक ही हम नहीं कह सकते इसको, ये एक ही सब्जेक्ट है, इसके अलग कई सारी ब्रांचेस होती हैं। तो इसके बारे में हो गया है इतना, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, कंटेंट को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही मैंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही रहेगी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी आर ट्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट ए क्या है? मानव भूगोल के अनुशासन का हिस्सा है। अनुशासन या डिसिप्लिन होता है, एक तरह से ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, तो मानव भूगोल जो है भूगोल की ही एक ब्रांच है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा जो कथन है वो है, मानव भूगोल मानव जाति के विकास, इसकी विभिन्न जातियों और पर्यावरण के लिए मानव अनुकूलन को शामिल करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्यावरण इसमें शामिल होता है, इसमें मानव जाति का जो डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन जब हम इसको भूगोल को मानव से जोड़ देते हैं, जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो इसमें मानव से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो जाएंगी, मानवीय पर्यावरण इसमें शामिल हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारी इसमें सही हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप वही डिटेल्स दी हुई है कि मानव भूगोल जो है भूगोल की वो शाखा है, वो ब्रांच है। ब्रांच के बदले हम डिसिप्लिन वर्ड का भी यूज़ कर लेते हैं, जो मनुष्यों और समुदायों, मतलब जो ह्यूमन का जो रिलेशन है उसके कम्युनिटी में, उसका रिलेशन कैसा है कल्चर के साथ, कल्चर कैसा है उसका, या फिर इकोनॉमिक जो उसके रिलेशंस हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो
मानव भूगोल के बारे में कुछ इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है ज्योग्राफी, जिस तरह से ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मानव भूगोल मानव से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ज्ञान मीमांसा परिवर्तन का एक पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ एपिस्टेमिक शिफ्ट इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस प्रपोज्ड बाय द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको टफ लग रहे हो, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आते हो सकता है आपको आपके एक दो क्वेश्चन छूट भी जाएँ एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की बस कोशिश करें, ये ना सोचें कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। रेगुलर क्लास देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, तो घबराना नहीं है, पहली क्लास में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 4 इसमें है, अतीत के ब्रिटिश खाते से लेकर विभिन्न भारतीय खातों तक। एक तरह से अगर हम बात करें, देखो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। देखो NCF में क्या कहा गया कि पाठ्य पुस्तक पर ही जोर नहीं देना है, जब हम पढ़ाते हैं हमें पाठ्य पुस्तक से अलग भी चीज़ें सिखानी चाहिए। पुस्तक ही सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं है, जो व्यवहारिक जो ज्ञान होता है वो भी बच्चों को देना ज़रूरी है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को स्थानीय के संदर्भ में संतुलित करने की आवश्यकता है, जो नेशनल जो हमारे अफेयर्स होते हैं उनको रिलेट करने की ज़रूरत है लोकल अफेयर्स से, और भारतीय इतिहास को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम जब पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री तो हमें उसको वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि दुनिया की और घटनाओं से भी जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडिया से ही रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको वर्ल्ड से भी जोड़ करके पढ़ेंगे तब हम उसको समझ पाएंगे। NCF ने सुझाव दिया कि नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए। आपको पता ही है कि पहले हम सिविक्स शब्द का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम सिविक्स के बदले पॉलिटिकल साइंस का यूज़ करते हैं। और जो बुक भी है 6-8 की, आप पाएंगे इसमें कि जो सिविक्स के बदले सोशल और पॉलिटिकल साइंस बुक का नाम हो गया है, वही वर्ड आपको यूज़ करना होता है बुक के लिए भी। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया था। औपनिवेशिक काल मैंने आपको बताया था हमारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास थी, तो इसमें जो स्कूल का जो करिकुलम होता है उसमें नागरिक शास्त्र भी ऐड कर दिया। आज्ञाकारिता और वफादारी पर जोर नागरिक शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं थी। तो नागरिक शास्त्र में बेसिकली क्या चीज़ें शामिल थी, ओबिडेंस और लॉयल्टी। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे द्वारा सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में ज्ञान मीमांसा का बदलाव अतीत के ब्रिटिश खाते से विभिन्न भारतीय खातों में स्थानांतरित करना है। तो एक तरह से जो एजुकेशन हमारी ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी वो अब तक भी चल रही है, तो यही इसका मतलब है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके आधार पर विकसित सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री सामाजिक विज्ञान शिक्षक को समाज के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर संबंधों को देखने में मदद कर सकती है? तो इसमें हमें ऑप्शन चुनना है कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, B and C आर ट्रू, बहुआयामी दृष्टिकोण और अंतः विषय दृष्टिकोण। देखो अंतः विषय दृष्टिकोण इसमें दिया है कि अंतः विषय जो दृष्टिकोण है ना, एक तरह से हम इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ एक ब्रांच पर ये डिपेंड नहीं होता है, इसमें अनेकों ब्रांचेस शामिल होती हैं। जैसे कि हम बात करें गणित, सामान्य विज्ञान, भाषा आदि अन्य विषयों की अवधारणाओं या मुद्दों के साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को एकीकृत करना, मतलब सिर्फ हम सामाजिक विज्ञान को लेकर के नहीं चल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं बाकी ब्रांचेस को भी लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ एक ब्रांच के साथ हम नहीं चल रहे हैं। डिसिप्लिन मैंने आपको बताया था क्या ब्रांच इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, तो इसको हिंदी में कहेंगे बहुविषयक दृष्टिकोण, और ये है जो विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से एक अवधारणा को प्रभाषित करने या समझने की अनुमति देता है। तो ये विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण से आप एक चीज़ को समझते हैं, विभिन्न विषयों के लोग एक विशेष मुद्दे पर एक साथ काम करते हैं। मान लो कि अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं,
गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन विषय की प्रकृति के आधार पर इस मुद्दे पर पहुंचना अनुशासन से अनुशासन में भिन्न होता है। लेकिन ये जो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि हमें किस मुद्दे पर पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों के प्रतिधारण पर अवधारणाओं की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वैध तरीके हैं? विच अमंग द फॉलोइंग आर वैलिड वेज टू एनकरेज कंप्रीहेंशन ऑफ कंसेप्ट ओवर रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए बी और सी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर हमें तथ्यों को समझना है, वो हमें अगर समझ विकसित करनी है, समझ अगर वो डेवलप करनी है बच्चों में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो ए बी और सी इसमें सही हो जाएगा। देखो, एक तो हम क्या करेंगे, जानकारी की सूची को कम करना, यानी कि जो टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है वो मेन मेन फैक्ट्स बताना। ऐसा नहीं कि हमने डिटेल बता दी है बच्चों को और मतलब कि बहुत बड़ा जो है मैटर दे दिया है जिसमें कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या समझना है। तो समझ देखो तभी डेवलप होगी जब हम उनको जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं सिर्फ वही बताएंगे, मेन मेन पॉइंट्स बताएंगे, तो वो क्या होगा फिर जो मुद्दा है उससे भटकेंगे नहीं। ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऐसी ऐसे क्वेश्चन पूछना जैसे कि अगर नदी में पानी खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या है बच्चा खुद से सोचेगा, खुद के विचार उसमें डेवलप होंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछना जो बच्चों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, इससे क्या होगा, इससे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब भी संभव हो परिभाषाओं से बचना। देखो परिभाषाओं के लिए अगर हम उनको कहेंगे तो परिभाषाएं तो देखो रट्टा मारने वाली होती हैं, वो सिर्फ रट्टा लगा लेंगे और सुना देंगे, फिर कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी किसी टॉपिक को लेकर के और उस चीज़ को वो समझ लेंगे एक टॉपिक को, तो वो उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें ए बी और सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति को सामाजिक न्याय और हाशिए पर के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छा नियोजित किया जा सकता है? देखो इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ना उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें से भी कुछ पैडागोजिकल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये आपका पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन है, एक सॉरी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, मतलब ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर है पूरा, इस पर एक नहीं दो चैप्टर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना दिया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो एक समझ आपकी डेवलप हो जाती है, इस तरह के क्वेश्चन फिर आप खुद से ही कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ए बी और सी। इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो इसमें हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अगर हम देखो शिक्षण अधिगम रणनीति को मतलब सामाजिक न्याय और हाशिए पर के विषय पर चर्चा करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर सबसे अच्छा नियोजित किया जा सकता है। अगर हम सामाजिक न्याय और हाशिया समझाना चाह रहे हैं बच्चों को, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, तो उसको अगर हम समझाना चाह रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर, तो हम उसको किस तरह से समझा सकते हैं? देखो इसमें तीन मेथड जो हैं वो सबसे अच्छे रहेंगे। क्या, रोल प्ले, इसमें दिए हुए हैं ए बी और सी, रोल प्ले, केस अध्ययन और सर्वेक्षण। क्या होते हैं ये? रोल प्ले होता है किसी एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का रोल प्ले करना, उसके जगह पर खुद को रख करके देखना। जैसे हम किसी आदिवासी किसी पर्सन का हम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हाशिए पर जो कम्युनिटी है वो क्या है, आदिवासी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी, तो उनमें से हम किसी पर्सन का रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम केस स्टडी कर सकते हैं किसी के ऊपर, किसी के लाइफ पर केस स्टडी कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं कि कितने लोग हाशिए पर हैं, सामाजिक न्याय मतलब कितने लोगों को मिल रहा है कितने लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है अप्रोप्राइट रहेंगे, और डी तो नहीं होगा। देखो इसमें हम किसी प्लेस के बारे में तो नहीं बता रहे हैं, हम सोशल न्याय की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ग्लोब और मानचित्र का कोई रोल नहीं है। तो ए बी और सी इसमें सही होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भारत के विभाजन पर क्लास ले रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ए बी और सी। देखो भारत का विभाजन किस किस चीज़ से हम समझा सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अगर हम भारत का विभाजन समझाना चाहते हैं तो उसके लिए देखो भारत के मानचित्र की भी ज़रूरत पड़ेगी,
हमें दिखा सकते हैं कि विभाजन से पहले का भारत कैसा था और विभाजन के बाद का भारत कैसा है, तो मानचित्र से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा हम रेफरेंस ले सकते हैं खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने ये लिखा है, हिस्टोरिकल नॉवेल है ये, और इसका हम रेफरेंस ले सकते हैं, इसको पढ़ा सकते हैं, मतलब इससे कुछ मेन पॉइंट्स बता सकते हैं, उसके थ्रू हम भारत का विभाजन अच्छे से समझा सकते हैं। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, दिल्ली 1948 की तस्वीरें हम ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर, तो इनको हम ले सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही रहेंगे भारत के विभाजन पर अगर हम समझाना चाहते हैं। तो डी जो है ये गलत हो जाएगा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है इन्होंने भक्ति गीत गाए हुए हैं तो ये इसमें हेल्प नहीं करेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे प्रासंगिक भूमिका छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना होगा, जो तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, द मोस्ट रिलेवेंट रोल फॉर अ सोशल साइंस टीचर वुड बी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप। तो क्या हम डेवलप करना चाहते हैं, मतलब कैसी अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को दें कि वो अपने अंदर डेवलप कर पाएँ किस तरह की सोच, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अपने आसपास दुनिया की आलोचनात्मक समझ। देखो अब मैं इसके थ्रू आपको समझाती हूँ कि आप एलिमिनेशन के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है, परीक्षा के लिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आत्मप्रेरणा, तो ये कुछ डाउटफुल है ऑप्शन। दूसरा है विषय के विशेषज्ञ बने, तो ऐसा कोई नहीं कहता कि विषय के विशेषज्ञ बने, जो इसके विशेषज्ञ होते भी हैं उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती सब्जेक्ट के बारे में, तो अब बच्चों को तो विशेषज्ञ नहीं बनाना है, उनको तो हमें आगे की लाइफ के लिए तैयार करना है, तो विशेषज्ञ बनने के लिए हम कभी नहीं कहेंगे कि एक्सपर्ट बनो भी किसी भी सब्जेक्ट में। तीसरा है घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति कौशल, मेमोरी स्किल्स टू रिकॉल इवेंट्स। देखो याद करने के लिए भी हम कभी जोर नहीं देते हैं, मतलब रट्टा मारने के लिए कभी जोर नहीं देते बच्चों पर, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचता है क्या, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट भी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखें तो अपने आसपास की दुनिया की आलोचनात्मक समझ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑप्शन। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, देखो थिंकिंग भी और अंडरस्टैंडिंग एक तरह से सिमिलर चीज़ हम कह सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि जब किसी भी चीज़ के लिए आप गहराई से सोचें किसी चीज़ के बारे में, और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि आप किसी चीज़ को गहराई से समझ गए हैं, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है, आपकी जो दुनिया है आसपास की, उसके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है, इतिहास की कक्षा में पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है किसके बारे में पूछा हमसे। Which of the following activities in a history class have the most potential for promoting critical thinking skills? तो इसमें पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से दो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा, कौन सा सही है इसमें, ए सी और डी सही है, ए सी और डी। विकल्पों का विश्लेषण, एनालाइजिंग चॉइसेस, अगर हम आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें विकल्पों का विश्लेषण अगर कोई कर पाता है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने की ज़्यादा संभावना है। राय से अलग तथ्य अगर कोई बना पाता है, जो राय बाकी लोग दे रहे हैं उससे अलग तथ्यों पर अगर कोई ध्यान दे पाता है तो ये भी एक तरह से इसको बढ़ावा देगा। प्रभावों की खोज, एक्सप्लोरिंग इम्पैक्ट्स, तो ये भी इसके लिए बेहतर विकल्प रहेगा। तो थ्री जो ऑप्शंस हैं ये सही हो जाएंगे, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। देखो ये भी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है लेकिन सिमिलर लग रहा होगा। आलोचनात्मक सोच का मतलब अगर मैं बताऊँ तो वही है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में गहरी सोच, गहरा अध्ययन, डीप थिंकिंग, जो मतलब जिसके बारे में हम गहराई से सोचें। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ए डी और ई। अब ये भी देख लेते हैं कि क्यों ये सही रहेंगे।
देखो गहरी सोच बच्चों में जब डेवलप होती है जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे कि वो अपना दिमाग लगाएं और चीज़ों को विस्तार से एक्सप्लेन करें। ऐसा ना हो कि कोई किताब से कोई परिभाषा पढ़ ली और उसको एक्सप्लेन कर दिया। किताब से परिभाषा तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर हम उनसे उनके विचार जानना चाहेंगे तो विचार क्या होंगे? विचार तो खुद से डेवलप होंगे, खुद से ही आएंगे उनके दिमाग में। तो उससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या है, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन किस प्रकार राजनीति पर प्रभाव डालते हैं ये हम उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें वो अपने विचार बताएंगे। दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह एक तरह से ये होता है कि जो कोई अपना काम निकलवाने के लिए नॉर्मल तरीके ना अपना करके थोड़ा सा दबाव बनाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, पॉलिटिक्स में। और सामाजिक आंदोलन आपको पता ही है, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, सोसाइटी के कुछ इश्यूज को लेकर के होते हैं मूवमेंट। तो इनको हम पूछ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। तो बच्चे इसके बारे में सोचेंगे, अपनी थिंकिंग जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, उनके जो विचार हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। फोर्थ में क्या है, भारत ने अपनी जनसंख्या का आकार कितने राजनीतिक दलों को दिया हो सकता है और क्यों? एक तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आकार कितने राजनीतिक दलों को दिया हो सकता है, दूसरा कि क्यों ऐसा किया है, क्यों ऐसा किया है। तो फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम बच्चों की राय जानना चाह रहे हैं, तो ये भी इसके लिए सही रहेगा ऑप्शन। जनहित याचिका भारत में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे है? जनहित याचिका के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा था, तो पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। जनहित याचिका होती है किसी के बिहाफ पर PIL दाखिल करना। PIL मतलब शॉर्ट में ही होता, कहते हैं इसको जनहित याचिका को, मतलब एक तरह से अपील करना किसी और के बिहाफ पर। अगर कोई एबल नहीं है अपील करने के लिए तो उसके बिहाफ पर अपील करना जनहित याचिका कहलाती है। तो इसमें हम पूछ सकते हैं कि जनहित याचिका भारत में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास कैसे है, किस तरह से इसके थ्रू सभी को न्याय मिल सकता है। तो इसमें भी देखो विचार डेवलप होंगे बच्चों के, खुद से वो सोच करके आंसर करेंगे। तो इसमें AD और E जो हैं ये तीनों जो है सही हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखो हम एलिमिनेशन की बात करें तो ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से परिभाषा पर जोर दे रहे हैं। कैसे कि एक दबाव समूह और एक राजनीतिक समूह में क्या अंतर है, हम दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ये डिफरेंस एक तरह से हम किताब से रट्टा, मतलब बच्चे किताब से रट्टा लगा के भी बता सकते हैं, एक एक दो लाइन में बता सकते हैं। इसमें व्याख्या करने के लिए पूछा गया, यानी कि सीधे सीधे इनका अर्थ पूछा गया है, तो अर्थ तो कोई भी बता देगा सिंपल सा एक दो लाइन में, लेकिन ये विस्तार दे रहे हैं बात को और ये थोड़ा सा विचार भी इसमें डेवलप होंगे बच्चों के, तो ये सही रहेंगे तीनों। और क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में समसामयिक घटनाओं और घटनाओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स इन सोशल स्टडीज़? देखो हमसे पूछा है जो करंट के अफेयर्स होते हैं, करंट के जो इवेंट्स होते हैं जो देश दुनिया में चल रहे हैं इस टाइम पर, करंट टाइम में, तो उनका जो है इन घटनाओं का क्या उपयोग होता है सोशल स्टडी के अंदर, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्या क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं? सामाजिक अध्ययन इकाइयों के लिए समसामयिक घटनाओं का अभिन्न अंग के रूप में उपयोग करना, तो ये बात बिल्कुल सही है। यूजिंग करंट अफेयर्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज यूनिट्स, तो सोशल स्टडीज में हम करंट अफेयर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। हमारा जो देखे जैसे हिस्ट्री का पार्ट होता है, ज्योग्राफी का पार्ट होता है या फिर पॉलिटी का पार्ट होता है, उसके जो करंट इवेंट्स हैं उनको हम अपने सोशल स्टडी से जोड़ सकते हैं, जोड़ करके पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या है, चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि हम अभी करंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, और जो हिस्ट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में हम बता सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि वो पिछले वाले जो राष्ट्रपति रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो आज के लोगों से कैसे डिफरेंट रहे हैं, आज के लोगों में क्या डिफरेंस है,
या फिर जैसे हम संविधान को पढ़ाते हैं तो संविधान में अब क्या चेंजेस आ गए हैं करंट में, और पहले जो संविधान था वो कैसा था, और बाकी जो और भी घटनाएं होती हैं, करंट इवेंट्स होते हैं, उनको भी हम सोशल स्टडी से जोड़ करके पढ़ा सकते हैं। सेकंड जो है ये है सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अलावा करंट अफेयर्स का उपयोग करना। देखो पाठ्य पुस्तक तो होती ही है सोशल स्टडी जो हम पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस की, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई या फिर पॉलिटी हो गई, उन बुक से तो हम पढ़ते पढ़ते हैं, लेकिन करंट इश्यूज को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है प्लैनेट का। प्लैनेट्स में अगर हम बात करें, देखो प्लैनेट्स के जो हैं होते हैं क्या, उपग्रह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा है और एक ही उपग्रह है। वैसे ही देखो पहले बृहस्पति के उपग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा थे संख्या में, लेकिन अब शनि के और डिस्कवर हो गए हैं उपग्रह, तो शनि के अब ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, हमने करंट इशू को भी उसमें ले लिया, करंट इवेंट जो हुआ उसको हमने ले लिया, या फिर करंट कोई जानकारी हुई उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम जो पहले की जो जानकारी है वो तो है ही है, और जो नई जो जानकारी आई उसमें ऐड हो जाएगी। तो एक तरह से हम जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनके साथ साथ हम करंट इवेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इसको हम और कुछ पॉइंट के थ्रू समझ लेते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ाकर शिक्षक छात्रों को स्कूल, समाज और दुनिया की वर्तमान स्थिति से अवगत अवगत कराने में सक्षम होता है। देखो दुनिया की अब क्या सिचुएशन चल रही है उससे वो अवगत करा सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार के टाइम पर क्या सिचुएशन थी, तो वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन आज की क्या कंडीशन है वो हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर से जोड़ करके बता सकते हैं। तो इस तरह से और फिर थोड़ा कंपैरिजन करके अगर हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उससे क्या होगा ना, चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। करंट अफेयर्स स्थिति को गंभीर रूप से समझने की सिचुएशन कैसी है, जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को आज के टाइम से जोड़ करके हम बता सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश काल है, कॉलोनियल पीरियड जो था वो कैसा था, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से भारतीयों को टॉर्चर किया था, या फिर किस तरह के अधिकार मिले हुए थे भारतीयों को, और अब कितने अधिकार मिले हुए हैं। जैसे वोटिंग राइट की बात हम कर सकते हैं, अब वोटिंग राइट क्या मिले हुए हैं, पहले क्या वोटिंग राइट मिले हुए थे। तो इस तरह से गंभीर रूप से समझेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज़ को विश्लेषण कर पाएंगे और मूल्यांकन करने में ये मदद करेंगे। यह छात्रों को सीखने, स्कूल से बाहर चल रही स्थिति और मुद्दे से जुड़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं है, देखो जब हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देंगे, टेक्स्ट बुक नॉलेज देंगे, इसके अलावा भी थोड़ी नॉलेज देनी होती है हम बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम उनको रट्टा लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक का, हम उनको व्यावहारिक जीवन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो उनको डेली लाइफ से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स चाहिए होंगे, या फिर करंट जो सिचुएशन है उसको समझने में भी उसको मदद करनी होगी। तो स्कूल के बाहर की जो सिचुएशन है वो भी उसको समझने में मदद करनी होगी। ज़रूरी नहीं है बस स्कूल तक ही हम सीमित रखेंगे उनकी नॉलेज को, उनकी नॉलेज थोड़ी सी ब्रॉड हो और वो स्कूल से बाहर की दुनिया को भी समझ सके, ये इसमें हेल्प करते हैं क्या, करंट अफेयर्स मदद करते हैं। करंट अफेयर्स को पाठ्य पुस्तक के बाहर सीखने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक से अलग जो चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को, तो वो होगा क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सभी सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर्स आ जाता है, जो भी करंट इवेंट्स होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो करंट इवेंट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सोशल लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्नलिखित में से किसे बड़ी चुनौती माना जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मेजर चैलेंज इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज एट द एलिमेंट्री लेवल। अब क्योंकि हम 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं इसको, तो उसी लेवल की बात करेंगे, एलिमेंट्री लेवल मतलब 6 to 8। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया कि मेजर चैलेंज कौन सा है, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी अगर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ाते हैं इस लेवल पर। तो इस लेवल पर जो चैलेंजेस आते हैं बेसिकली वो हमसे पूछा है इन 5 स्टेटमेंट्स के थ्रू, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें चुननी है। तो इसको आप मॉक टेस्ट की तरह करें, तो मेरे आंसर बताने से पहले खुद चुनें आप। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए बी और सी। ए बी और सी कौन कौन से हैं, देखो इसे गैर उपयोगितावादी विषय के रूप में माना जाता है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट, मतलब कि कहा जाता है कि ये इसको
इसका उतना उपयोग नहीं होता है, इसको ये ऐसा इस तरह का सब्जेक्ट जो है कंसीडर किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है कि इस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है, यह बहुत बहस और विवाद पैदा करता है और एक विशेषज्ञता वाले शिक्षक से कई विषयों को पढ़ाने की अपेक्षा की जाती है। तो अभी इसको समझ लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। बाकी देखो डी की जो है, डी और ई जो है ये नहीं होगा, सांख्यिकीय ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स या फिर हम कॉमर्स नहीं पढ़ रहे हैं, और विकलांग शिक्षार्थियों को सामग्री के साथ सामना करने में कठिनाई होती है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी वाला इसमें चीज़ नहीं होती है जो समझने में दिक्कत करेगा। तो तीन पॉइंट जो हैं ये सही हैं, और इनको देखो डिटेल में मैं बता देती हूँ। इसको गैर उपयोगितावादी विषय क्यों माना जाता है? देखो अक्सर आपने सुना भी होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है आर्ट ग्रुप में आता है, आर्ट साइड कहते हैं ना, आर्ट साइड है आपके पास या फिर साइंस साइड है, साइंस ग्रुप के हैं आप या फिर आर्ट ग्रुप के हैं, तो ये आर्ट ग्रुप में आता है। तो इस सब्जेक्ट को क्या है उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि सबको लगता है कि साइंस को चूज़ करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारे पास, जो मौके हैं कैरियर बनाने के, वो उन सब्जेक्ट से ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान को क्या किया जाता है, एक अनुपयोगितावादी सब्जेक्ट के बारे में देखा जाता है, मतलब कि उपयोगी नहीं माना जाता, गैर उपयोगी इसको माना जाता है। तो धारणा ये बनी हुई है एक तरह से हम ये कहेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, कम इसको हम कहेंगे वैल्यू मिलती है इस सब्जेक्ट को। और इसमें बात करें तो शिक्षक और छात्र दोनों इसकी सामग्री को समझने में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि इसको कम वैल्यू दी जाती है। अब कम वैल्यू दी जाती है तो टीचर भी इसको पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं महसूस करेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ज़्यादातर इस सब्जेक्ट को कम ही लोग पसंद करते हैं इसी वजह से। तो यह बहुत बहस और विवाद पैदा करता है, इसमें काफ़ी सारे डिबेट के इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे विवाद पैदा होते हैं। और देखो एक चीज़ और है इसमें, सामाजिक विज्ञान आपको पता ही है कई सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि चार सब्जेक्ट हैं, अब जो उन सब्जेक्ट को पढ़ाएगा टीचर, वो तो उसने तो ये एक या दो सब्जेक्ट पढ़े होंगे उसमें से। मान लो कि उसने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी भी पढ़ाना पड़ेगा और उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा। तो विशेषज्ञ तो वो दो सब्जेक्ट का है, लेकिन दो सब्जेक्ट और उसे पढ़ाने पड़ेंगे। इससे होता क्या है कि उसको जो है, जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो उसे मैपिंग नहीं इतने अच्छे से आती होगी, वो इतना विशेषज्ञ नहीं होगा वो टीचर मैपिंग वगैरह में, तो वो अच्छे से जो नॉलेज है वो डिलीवर नहीं कर पाएगा बच्चों को, तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि चैलेंजेस हैं सोशल साइंस की स्टडी में, टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को डैश के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स एट द अपर प्राइमरी स्टेज हैव बीन डेवलप्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, बेसिकली हमसे पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको किस उद्देश्य से विकसित किया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषयगत प्रस्तुति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग थीमेटिक प्रेजेंटेशन। थीमेटिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे किसी थीम से रिलेटेड कोई बुक होती है तो उसको कहते हैं थीमेटिक प्रेजेंटेशन। तो एक तरह से क्या है, पाठ्य पुस्तक को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक कक्षा के लिए छात्र को विषयगत प्रस्तुति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है कि जिससे कि एक थीम के साथ वो लेकर के चलें किसी भी जो है टॉपिक को। सामाजिक विज्ञान में विषयगत दृष्टिकोण छात्रों को विषय के साथ जोड़कर और एकीकृत करके पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को सीखने में मदद करता है। किसी भी थीम को आप ले लेते हैं, जैसे कि मान लो जेंडर सशक्तिकरण का सब्जेक्ट है, तो ये छात्रों को लैंगिक असमानता के बारे में जानने में मदद करता है। जैसे कि जेंडर से रिलेटेड आप कोई थीम ले लेते हैं कि जेंडर पर आप बात करते हैं किसी बारे में, तो जेंडर को अगर बच्चे समझ जाते हैं, जेंडर थीम को समझ जाते हैं, तो वो उस थीम से रिलेटेड और टॉपिक्स को भी समझ जाएंगे जो उससे जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से बुकों को जो बुक्स को डिज़ाइन किया गया है कि वो एक तरह से थीम प्रोवाइड करें बच्चों को समझने के लिए। तो इससे सीखना जो है अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक हो जाता है क्योंकि वो चीज़ों को एक थीम से जोड़ करके कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत को धम्म की समझ बनाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सोर्सेस कैन बी रेफर्ड टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ धम्मा? तो देखो, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें धम्म की समझ बनानी है, धम्म मतलब धर्म, धर्म को धम्म कहा गया है। ये अशोक के जो शिलालेख हैं इनमें धम्म की शिक्षा दी गई है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्राथमिक स्रोत चाहते हैं धम्म को की समझ बनाने के लिए, धर्म को अगर हम समझाना चाहते हैं प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से, तो इसके लिए सबसे बढ़िया सोर्स अशोक के शिलालेख रहेंगे। क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें धर्म की शिक्षा दी गई है। और ये प्राइमरी सोर्स क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। जो जानकारी किसी की मतलब आंखों देखा कोई वर्णन होता है, आंखों देखी कोई घटना होती है, या फिर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि पर्सन खुद से उसका वर्णन कर रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो होती है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन या फिर प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज में अगर हम धम्म की समझ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सोर्स अच्छा क्या रहेगा? अशोक के शिलालेख या फिर अशोक के इंस्क्रिप्शंस बेहतर ऑप्शन हमारे लिए रहेंगे। प्राइमरी सोर्सेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सोर्सेज वैसे तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्शरी सोर्सेज। लेकिन हमने यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी लिए हैं क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा यूज़ है। और प्राइमरी सोर्स जो है होते हैं वो होते हैं रो डेटा या फिर ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर इट हैज़ बीन एनालाइज्ड। मतलब कि जैसे मान लो कोई आंखों देखी घटना आपने देखी, मतलब कोई घटना आपने देखी और उसका आंखों देखा किसी को आप वर्णन कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक प्राइमरी सोर्स हुआ। या फिर आप उसके बारे में बुक लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं उस घटना के बारे में, जैसे कि यात्रा पर कोई आप बुक लिख रहे हैं कि आपने ट्रैवल किया, आपने जो जो चीज़ें देखी उनका वर्णन कर दिया, वो क्या हुई? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हुई। किसी के थ्रू आप वो जानकारी नहीं ले रहे हैं बल्कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो हो गई, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन वो हो गया। तो उसको हम कहते हैं क्या? प्राइमरी सोर्सेज। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इंटरव्यूज़ जो होते हैं ये डायरेक्ट बातचीत होती है, स्पीचेस होगी, डायरीज हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए, जर्नल आर्टिकल्स हो गए और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, ये सभी क्या किसमें आते हैं? प्राइमरी सोर्स के अंदर आते हैं। सेकेंडरी सोर्स होते हैं जैसे कि आपने कोई घटना देखी और मतलब मान लो आपने कोई बुक लिख दी, यात्रा पर कोई बुक लिख दी, अब उसकी जानकारी अगर किसी और को देनी है, किसी और के बारे में मतलब उस किताब के बारे में कोई और अगर डिटेल में लिखता है, जैसे कि मान लो हिस्ट्री पर कोई बुक लिखी गई थी किसी ने, उसी टाइम पर किसी ने यात्रा वृत्तांत लिखा अपना, या फिर जैसे जो यात्री आए थे यहाँ पर हिस्ट्री उन्होंने लिखी भारत की, अब उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी सोर्सेज। लेकिन उनकी बुक का रेफरेंस लेके अगर कोई दूसरी बुक लिखता है तो वो क्या होगी? वो सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम कहेंगे कि ये हम कहेंगे कि न्यू एविडेंस नहीं है इसका कोई, और ये ऑथेंटिक भी नहीं है। प्राइमरी सोर्स ऑथेंटिक होते हैं, मतलब कि प्रमाणित होते हैं, एक तरह से कोई भी कह सकता है कि हमने खुद से अपनी आंखों से देखा है, तो ये जो घटना है वो प्रमाणित है, ऑथेंटिक है। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उसमें ऑथेंटिक होने का कोई ये नहीं होता है कि सर्टिफिकेट है कोई कि हाँ भाई ये घटना सही है ये गलत है, इस ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है सेकेंडरी सोर्सेज में। तो कई चीज़ें होती हैं इस तरह की जो कि सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं। इसमें हम ले सकते हैं बायोग्राफीज़, किसी के मतलब किसी दूसरे के जीवन पर लिखना, क्योंकि देखो जिसने अपना जीवन जिया है वो तो उस पर आत्मकथा लिखेगा और वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी सोर्स। लेकिन बायोग्राफी जो हो जाएगी वो किसी और की लाइफ पर हम लिख रहे हैं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, लेकिन बायोग्राफीज़ जो है इसमें आ जाती हैं, जीवनी इसमें आ जाती हैं, हम जितनी जानकारी उनके बारे में जानते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जर्नल आर्टिकल्स जो हैं ये आ जाएंगे सेकेंडरी में, टेक्स्ट बुक्स आ जाएंगी, कमेंट्रीज़ आ जाएंगी, एडिटोरियल्स आ जाएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाएंगे, साहित्य पर जो आलोचनात्मक जो हम लिखते हैं आर्टिकल्स वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना कार्य में मुख्य रूप से शामिल है, ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, परियोजना से रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, और इसमें क्या इंक्लूड रहता है ये आपको बताना है। तो इसमें
प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो एक तरह से ये जो आप सीखते हैं उसको आप प्रैक्टिकली करना सिखाता है ये। जैसे जो जो भी चीज़ आपने सीख ली, आप किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं उसको खुद से हम आप करेंगे और व्यवहारिक जीवन में आप उसके अप्लाई कर पाएंगे, और ये एक तरह से उसकी एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करता है प्रैक्टिकल चीज़ों को करने की। परियोजना कार्य एक प्रभावी शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, शिक्षण और सीखने की विधि है। मतलब ये एक कहेंगे हम लर्नर सेंटर्ड है, ये जो मतलब सीख रहा है उसको उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और वो सीख भी पाता है बहुत जल्दी। ये जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो ये व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूल सीखने का अनुभव प्रदान करती है, और परियोजना कार्य मुख्य रूप से प्रभावी सीखने और परियोजना को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विषय से संबंधित कई संसाधनों से जानकारी एकत्रित करना शामिल है। तो जब आप प्रोजेक्ट वर्क करते हैं इससे इफेक्टिव लर्निंग होती है, जो लर्निंग आपकी होती है वो परमानेंट हो जाती है, वो एक तरह से किसी और मेथड से सीखने के मुकाबले ये जो मेथड होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे आप जल्दी सीखते हैं और परमानेंटली सीखते हैं, मतलब ये भूलते नहीं हैं आप जो परियोजना के थ्रू आप सीखते हैं, जो प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू आप सीखते हैं। बच्चे अनुभव के माध्यम से नए तथ्य और जानकारी सीखते हैं, तो अनुभव एक तरह से बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और खुद के एक्सपीरियंस से हम कोई चीज़ जब सीखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है और उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परियोजना को करने में उपयुक्त अनुक्रमण क्या है? व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट सीक्वेंसिंग इन द डूइंग ऑफ ए प्रोजेक्ट? तो बेसिकली जैसे हम कोई प्रोजेक्ट वर्क करते हैं उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए किसी भी उसको काम को करने का, प्रोजेक्ट को बनाने का, ये हमसे उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो सीक्वेंस वैसे आप लगा सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए, इसको वैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, DBCA। डी यानी कि सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, विषय के लिए साहित्य या फिर सामग्रियों का अध्ययन करेंगे, मतलब कि आप मटेरियल को पहले स्टडी करेंगे, जो जिस टॉपिक पर आपको प्रोजेक्ट मिला है आप उससे रिलेटेड पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। फिर आ जाएगा बी, एक शोध प्रश्न या समस्या तैयार करना। फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब कि एक समस्या आपको मिलेगी कि जिस पर आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है वो करना है। इसके बाद होगा क्या, शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। आप एक तरह से अप्रोच इसके लिए डेवलप करेंगे कि हाँ ये अप्रोच होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने की। इसके बाद होगा विषय से संबंधित एक प्रश्नावली या फिर क्वेश्चनरी या फिर इंटरव्यू कार्यक्रम तैयार करेंगे। आप उसके बाद जो है एक तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से मुझे ये प्रोजेक्ट कवर करना है, तो इस तरह से इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों के वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेस द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स? तो कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो कौन सा प्रश्न है जो उसका असेसमेंट करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कई क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन, आपको पहचानना है किससे आप कंसेप्चुअल नॉलेज जो है उसका असेसमेंट कर पाएंगे। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 में है बी और ई। बी और ई में अगर आप देखें तो बी है आर्थिक विकास और सतत विकास के बीच अंतर, डिफरेंस आपको बताना है, और इसमें निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच अंतर डिफरेंशिएट करना है, निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती में सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच में। तो आप एक एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो ये दोनों ऑप्शन है इसमें देखो दोनों के बीच अंतर डिफरेंस पूछा है, डिफरेंशिएट करने को बोला गया है। तो जो ये कंसेप्चुअल नॉलेज जो है ना आपकी, ये होती है कंसेप्ट पर बेस्ड। अगर किसी चीज़ का आपका कंसेप्ट क्लियर है, किसी चीज़ को लेकर के आपने बिल्कुल कंसेप्ट अपना डेवलप कर लिया है कि भाई आपको अगर माइनर सा चेंज के साथ दो टॉपिक दे दिए जाएं और अब आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि इसमें ये डिफरेंस है और इसमें ये डिफरेंस है, दोनों में मतलब अंतर है, तो दोनों क्वेश्चन ये होंगे क्या असेसमेंट के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज के, लेकिन बाकी के जो हैं इससे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा
गलत। इसमें किसी कंसेप्ट के बारे में आपसे नहीं पूछा है, बल्कि आपके कुछ में विचार पूछे हैं तो, और कुछ में आपसे निबंध वगैरह पूछा है। तो इसमें ऐसा कुछ विचार नहीं पूछे हैं, मतलब सॉरी, इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि किसी में अंतर बताना है, माइनर से माइनर आपको डिफरेंस बताना है। तो इसीलिए ये वाले जो हैं, ये दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एक तरह से जो माइनर से भी डिफरेंस है किसी चीज़ में, अगर अंतर है, दो चीज़ों के बीच अंतर पूछ लिया जाए, तो उसमें क्या होगा, कंसेप्ट नॉलेज को आपको असेसमेंट किया जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज की अगर हम बात करें, तो इसे उन अवधारणाओं सिद्धांतों के ज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है जो देखो छात्र से कई मेथड से सीख सकते हैं। कंसेप्ट जो है, जैसे मान लो किसी भी टॉपिक का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको उसको डीप नॉलेज लेनी है, अच्छे से उसको समझना है, तो क्या होगा, आप उसको पढ़ने के थ्रू भी समझ सकते हैं, लिखकर भी समझ सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को लेकर के कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है, उसको कहते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। तो ये कक्षा में अध्ययन की गई अवधारणा और शिक्षार्थी के निजी जीवन के बीच एक सेतु बनाता है। तो जो देखो जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है अब तक, और जो आपकी डेली लाइफ होती है, तो ये दोनों के बीच क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, सेतु का, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया, और अगर आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से उसको ये जोड़ने का काम करता है। तो ये दैनिक जीवन में विधिकरण, विश्लेषण और कार्यान्वयन के कौशल विकसित करता है। जो हम बचपन में रट्टा मारते हैं और हमें पता नहीं होता है उसका मतलब, उसके पीछे का कंसेप्ट हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो उसके कंसेप्ट को आप समझने लगते हैं। उसका कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, तो आप किसी भी नाम को सुनकर के कहेंगे कि हाँ ये नाउन है। लेकिन बचपन में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति और वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये हमने रट्टा मार लिया, लेकिन हमें उसके पीछे का मतलब पता नहीं है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो इसके मतलब समझने लगते हैं, कि जैसे कि भाई किसी भी चीज़ के का नाम होगा, स्थान का नाम होगा, या फिर व्यक्ति का अगर कोई नाम है, तो अगर आपको वो परिभाषा में भी नहीं बताया गया है वो नाम, तो अगर आपको नाम सुनाई देता है तो आप कहेंगे कि हाँ ये नाउन है। वो क्या हुआ, एक तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, और वो निजी लाइफ में भी आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि भाई आप नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन की बात हो रही है। तो इस तरह से क्या होता है, एक तरह से जोड़ने का ही काम करता है कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है, एक तरह से जोड़ने का काम करता है, जो आपने सीखा और जो आपने अप्लाई किया अपने जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करता है? तो जो एसेस करता है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को, वो ऑप्शन आपको इसमें से चुनने हैं। इसमें भी कुछ इस तरह से ही पूछा गया है जैसा पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन यहाँ बात हो रही है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ACD और E। AC और D और E हैं, देखो यहाँ पर आप देखेंगे ACD और E। अब देखो इसमें ये वाला नहीं है, बी बी नहीं है, और इसको हम समझ लेते हैं क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन, और फिर पूछा है देखो विद्यालय के लिए विस्तृत प्रस्ताव लिखें जो कि खेल दिवस आयोजित करने के लिए छात्रों का एक समूह बनाने की अपेक्षा की जाती है, तो आप उसके लिए जो प्रपोजल देना चाहते हैं वो आप लिखें। तो आपसे आपके विचार पूछे गए हैं। विषय पर एक अवधारणा मानचित्र विकसित करें, विषय पर 3 जर्नल पढ़ने के बाद ग्रामीण आजीविका। तो ये इस पर आपको क्या करना है, अवधारणा मानचित्र कंसेप्ट मैप बनाना है इसका। ये आपसे ही पूछा है कि आपको ये करना है। फिर अपने माता पिता मित्रों या शिक्षकों से 20वीं शताब्दी में आदिवासी विद्रोह के कुछ नायकों के नाम खोजें और उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। देखो अपने शब्दों में आपसे पूछा है कि जो कहानी है वो अपने शब्दों में लिखनी है इनके बारे में। आपके मोहल्ले में नियमित रूप से ट्रैफिक जाम रहता है जिसके कारण आपको स्कूल के लिए देर हो जाती है, उन रणनीतियों का वर्णन करें जो आप इस मुद्दे को हल करने के लिए विकसित करेंगे। तो इसमें भी आपके विचार पूछे गए हैं कि आप कैसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे, ऐसा कोई सॉल्यूशन बताएं। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेटाकॉग्निशन जो नॉलेज होती है, ये शिक्षार्थी को
यह तय करने में मदद करता है कि नई जानकारी सीखने के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। तो इसमें देखो एक तरह से स्ट्रेटजीज बनाना शामिल होता है, उनको सेलेक्ट करना शामिल होता है। एक इसमें ये होता है कि क्या कि यह रणनीतिक या चिंतनशील ज्ञान है जो समस्याओं को कैसे हल किया जाए, जैसे कि कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ये इसमें शामिल है। संज्ञानात्मक कार्य जैसे जिसमें प्रासंगिक और सशर्त ज्ञान और स्वयं का ज्ञान शामिल है। तो जैसे समस्या आपसे पूछी जाएगी कि मतलब आपको बताई जाएगी कि भाई ये समस्या है, जैसे कि हमने इस लास्ट वाले ऑप्शन में देखा कि भाई ये समस्या है और इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे एक तरह से कैसे ही आपसे पूछते हैं, हाउ तो हाउ कैसे कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक तरह से इस चीज़ की आपसे जानकारी इसमें ली जाती है। तो इसमें सेल्फ थिंकिंग शामिल होती है, खुद का ज्ञान इसमें शामिल होता है। यह सीखने के परिणाम प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है कि भाई जो सीख कर आपने क्या सीखा, मतलब सीख कर आपने क्या सीखा, कोई भी चीज़ आपने सीखी है अगर, तो उससे आपने मतलब आउटकम उसका क्या निकला, क्या आपके अंदर अचीव उससे हुआ। मेटाकॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करने के लिए उत्तर देते समय स्वयं की सोच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगर हम इसको एसेस करना चाहते हैं मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को, तो इसमें अगर हम आंसर देते हैं तो इसमें हमारी खुद की सोच शामिल होती है, सेल्फ थिंकिंग इसमें होती है। तो सेल्फ की जहाँ पर बात आए, खुद की जहाँ पर बात आए, खुद के विचारों की बात आए, या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो खुद से करना है, ऐसी किसी चीज़ की बात आए तो वो है कॉग्निटिव नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस द वैलिड एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो देखो इसमें भी हमसे पांच स्टेटमेंट दे दी गई हैं और उनका पूछा है कि मूल्यांकन पहलू का आकलन कौन सा इसमें से करता है प्रश्न। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी डी और ई, सी डी और ई। तो यहाँ पर देखो आप देखेंगे अगर क्वेश्चंस को, समग्र शिक्षा अभियान भारत में सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, इस कथन के पक्ष में तीन बिंदु दीजिए कि किस तरह से ये समग्र शिक्षा अभियान जो है सीखने का स्तर बढ़ाता है। तो इसमें आपको अपने तीन बिंदु लिखने हैं, इस पक्ष में किस तरह से बढ़ाता है। 1991 से भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने प्रदूषण को जन्म दिया, इस कथन का मूल्यांकन करें। अब देखो ये तो घटना हो गई, ये घटना घट गई है, अब आपको क्या करना है, इस पर जजमेंट देना है। जहाँ बात होती है जजमेंट की, इवैल्यूएशन की, किसी चीज़ का भी मूल्यांकन करना, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, उसमें आपको जजमेंट करना है, निर्णय देना है या फिर आपका इवैल्यूएशन करना है, तो ये शामिल होता है इसमें। और ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे इसमें पूछे गए हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करे, न्यायोचित ठहराना। तो ये जो है इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये जस्टिफाई करना है हमें, एक तरह से हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है इसको। तो किस तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है गवर्नमेंट। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट को जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इंश्योर करना है, किया गया है, लेकिन इस पर हमें मूल्यांकन करना है, एक तरह से जजमेंट देना है कि क्या मतलब किस तरह से सरकार इसको कर रही है, इस पर जजमेंट करना है। तो एक तरह से हम मूल्यांकन करते हैं इसमें चीज़ों का, जजमेंट देते हैं। देखो ये जो रिलेटेड है हमारा इवेल्युएशन, ये हमारा रिलेटेड है कॉग्निटिव डोमेन से, जो कि दिया है ब्लूम ने। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें लर्निंग के तीन डोमेन्स ब्लूम ने बताए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लर्निंग के तीन डोमेन्स कौन कौन से बताए हैं, कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर। ये इफेक्टिव नहीं है, वो तो होता है इफेक्ट मतलब प्रभाव, ये है एफेक्ट, एफेक्शन जो होता है, जो हम फील करते हैं, जो हम हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है। तो ये ब्लूम ने तीन जो है लर्निंग डोमेन्स बताए हैं। कॉग्निटिव जुड़ा है हमारी मेंटल स्किल से, हमारी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उनसे जुड़ा है कॉग्निटिव। एफेक्टिव जो है ये हमारा जुड़ा है फीलिंग से, हमारे इमोशंस से, हमारी भावनाओं से। और साइकोमोटर जो जुड़ा है वो हमारे एक्शंस से जुड़ा है, इसको हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक पक्ष।
और इसमें जो वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हम हाथ पैरों के थ्रू करते हैं, हमारी बॉडी के थ्रू करते हैं, इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो एक तरह से हम इसको समझ सकते हैं किससे, हेड, इसमें तो हेड का इस्तेमाल हम करते हैं दिमाग का। एफेक्ट यानी हार्ट, इसमें हम हार्ट का इस्तेमाल करते हैं दिल का। और इसमें हम हैंड का इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसको HHH से याद रख सकते हैं। तो तीन डोमेन्स बताए हैं लर्निंग के ब्लूम ने, और इसमें अलग अलग लेवल्स दिए हुए हैं। ये लेवल्स कुछ इस तरह से चलते हैं, इस तरह से इस पिरामिड में, जैसे कि सबसे पहले नॉलेज आता है, फिर कम्प्रीहेंशन आता है, फिर एप्लीकेशन आता है, और फिर एनालिसिस आता है, सिंथेसिस आता है, इवेल्यूएशन आता है। तो ये जो है ये पहले का है, ये जो लेवल्स हैं ये पहले के हैं। और ये जो है रिवाइज हुआ था कब, 2001 में। इसके बाद ये पहले तो था ये नाउन की फॉर्म में, इवेल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कम्प्रीहेंशन, नॉलेज, लेकिन फिर ये आ गया क्या, वर्ब की फॉर्म में, जैसे कि रिमेम्बरिंग और अप्लाइंग, इस तरह से आईएनजी फॉर्म में आ गया, ये नाउन से आईएनजी फॉर्म में आ गया। इसको हम डिटेल में किसी वीडियो में करेंगे, यहाँ पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो देखो इसी में से ये टॉपिक लिया था हमने, इवेल्यूएशन जो भी क्वेश्चन में आया था ना, तो ये यहीं से इवेल्युएशन लिया है। देखो इसमें अलग अलग इसमें टॉपिक से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अभी एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा आगे, अभी उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ब्लूम ने तीन डोमेन्स बताए थे लर्निंग के, कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइको मोटर। तो ये कॉग्निटिव में से एक था इवेल्युएशन, जो हमने भी देखा, क्योंकि ये इवेल्युएशन क्या है, हमारा दिमाग मेंटल स्किल्स से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये तीन जो लास्ट के हैं वो हो जाएंगे करेक्ट, सी, डी और ई। यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हैं आप इसके बारे में। देखो यहाँ पर ये दिए हुए तीन डोमेन्स लर्निंग के, और इसमें ये टीचर को ये टीच करने में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट्स को लर्न करने में हेल्प करते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली जुड़ा है हमारी मेंटल स्किल्स से, या फिर हम कहें इंटेलेक्चुअल स्किल्स से जुड़ा हुआ है। और इवेलुएट करना कहते हैं, इट हेल्प्स इन मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द सिचुएशन बाय यूजिंग द इट आइडियाज़। आइडियाज़ को यूज़ करके क्या करता है, ये जजमेंट में मदद करता है किसी भी सिचुएशन की। जस्टिफाइंग डिसीजंस अबाउट द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स। इवेलुएटिंग हेल्प्स इन कंक्लूडिंग, क्रिटिसाइजिंग, इवेलुएटिंग जस्टिफिकेशन, रिलेटिंग एंड कंपेयरिंग। जैसे कि हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड वो टॉपिक देखा था ना, कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर रही है नागरिकों के, तो इसमें देखो हम क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही है उसे, गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की आलोचना हम करेंगे, और जस्टिफिकेशन हम इस पर दे सकते हैं, और हम इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार कितना सरकार सुनिश्चित करे, कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करती है सरकार, ये कहाँ तक सच है कि संविधान में तो लिख दिया मौलिक अधिकार लोगों को मिलेंगे, लेकिन कितना सरकार उसे सच करके दिखा रही है। तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक्चुअली एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में ये एप्लीकेशन जो अभी हमने देखा था ना, कॉग्निटिव वाला, कॉग्निटिव डोमेन्स जो देखा था उसमें एक वर्ड था एप्लीकेशन भी, एक लेवल था एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है इसमें देखो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न पढ़े, उनमें से कौन संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है। आपने ये पढ़े भी होंगे सिक्स डोमेन्स ब्लूम के, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, इनका सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आया है कि आप मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं, और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। तो इस तरह से ये पाँच स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको इसमें से सही और गलत चुनना है, गलत नहीं सिर्फ सही चुनना है। तो सही कौन सा है इसमें से, हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। फोर क्या है, सी और ई जो हैं वो सही हैं बस इसमें से, यानी कि इसको क्लियर कर लेते हैं, सी और ई जो है इसमें से सिर्फ यही सही है, बाकी इसमें गलत है। अब देखो इसको देख लेते हैं कि क्यों ये सही है और बाकी गलत क्यों है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, तो इसमें पूछा गया आपसे कि मान लीजिए मुंबई में समय शाम के 7 बजे हैं, लंदन में क्या समय होगा जो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के करीब स्थित है।
अब देखो आपने कंसेप्ट ये टाइम का पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड लाइंस में हम पढ़ते हैं टाइम का कंसेप्ट। टाइम में आपने क्या समझा कि जो लंदन से होकर ग्रीनविच लाइन जाती है वहाँ पर जो है हमारे टाइम जोन है पूरे वर्ल्ड का। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से अगर कोई जगह ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है तो टाइम थोड़ा आगे रहेगा, और ग्रीनविच के अगर पीछे वाले जो कोई प्लेस है तो टाइम थोड़ा पीछे रहेगा। आप अपने ये कंसेप्ट समझ लिया। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे इंडिया के टाइम के बारे में पूछा है कि मुंबई में शाम के 7 बजे हैं। अब देखो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम, आपको पता है। लेकिन जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप जान पाएंगे करेक्ट टाइम क्या होगा इस वक्त ग्रीनविच का। तो ग्रीनविच का टाइम आपसे पूछा है, एक तरह से आपसे क्या कहा गया है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपसे बोला गया है। तो अब आप इसको अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे 5.5 घंटे इसमें से माइनस करके कि 1:30 बजे होंगे, 1:30 PM जो है वो टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच में इस वक्त, अगर मुंबई में 7 बजे हैं तो। ये क्या किया आपने, अप्लाई किया, ये नॉलेज आपके पास थी। तो इसी तरह से स्टेप है, ये फर्स्ट जो स्टेप है इसका कॉग्निटिव डोमेन्स का नॉलेज था, आप देख सकते हैं बैक जा कर के, जो लेवल 1 था वो नॉलेज था। तो नॉलेज थी आपके पास इसकी कि हाँ भाई 5.5 बजे आगे होता है भारत का टाइम ग्रीनविच से। लेकिन जब आपने इसको अप्लाई किया अपने डेली लाइफ में तो आप जान पाए कि 1:30 बज रहे होंगे इस वक्त ग्रीनविच के पास में। तो ये हो गया एप्लीकेशन। वैसे ही है ये डी ई ऑप्शन में भी, लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्कूली छात्र नेता चुनने के लिए आप जिन चरणों का पालन करेंगे, इनकी सूची बनाएं, आप उन स्टेप्स को जानते हैं, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन कहलाएगा, अनुप्रयोग कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही होता है कि जैसे आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन जानते हैं, जोड़ना घटाना आप जानते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, शॉप पर भी जाकर के जब आप सामान खरीदेंगे और आप जब देखेंगे जो आपको चेंज मिले वो हिसाब सही है या नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। ऐसे ही होगा जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, अगर कुकिंग में आपने सीख लिया कि राइस कैसे बनता है, राइस बनता कैसे है, राइस बनाने के लिए हमको चावल चाहिए, चावल पहले धुलेंगे फिर उसके बाद उसको बर्तन में डालेंगे और उसको क्या बोलते हैं पानी डाल करके पकाना है, ये आपने सीख लिया, देख करके सीख लिया। लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन उसका नहीं करेंगे, तब तक आपको वो एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं चलेगी। तो जब उसको आप करते हैं खुद से वो कहलाता है क्या, एप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा सी और ई इसमें करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखो ये मैंने यहाँ पर भी ले लिया है और ये मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन जो है 3rd नंबर पर आ रहा है। आज हमने इन दोनों पॉइंट्स के बारे में समझा, देखो इवैल्यूएशन के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर था ये नॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।